हेलो गार्गियंस बच्चों क्या हाल चाल है तुम्हारा कैसे हो एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल आज तो टेक्नोलॉजी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया है ना इतनी देर से मतलब बस फिर तो आईपैड कनेक्ट ही नहीं हो रहा था यस बच्चों आर यू ऑल ओके ओके आई कैन नॉट सी माई सेल्फ आई एम लाइफ यस बच्चों कैसे हो क्या हाल चाल है एंड सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि आपका कुछ फिफ्थ सेप्टेम्बर को कुछ तो होने वाला है टीचर्स डे पे कुछ होने वाला है कुछ अमेजिंग होने वाला है क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता मैं भी तुम्हारे साथ ही वेट कर रही हूँ ठीक है विल ऑल वॉच दिस इवेंट सिक्स पी एम ऑनवर्ड साथ में देखेंगे है ना yes, सोचो तो आज हाँ थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ने मेरे को फेल कर दिया मेरा आई कनेक्ट ही नहीं हो रहा था फाइनली इट इज कनेक्टेड नाउ ओके okay बच्चों आज हम क्या करेंगे आज हम प्रो कैरियोटिक सेल को कर देंगे खत्म एकदम खत्म हो जाएगा यस ठीक है ओके गुड आफ्टरनून बच्चों गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी ठीक है यस बच्चों तो प्रो कैरियोटिक सेल हम आज खत्म कर देंगे हमने पिछले सेशन में क्या कर रहा था उसका एक बार थोड़ा सा मैं तुमसे क्वेश्चन कुछ पूछूंगी ठीक तो है तो फटाफट से आंसर देने हैं सो दैट मुझे पता चल जाए कि तुमने रिविजन है येस आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि रिविजन प्रॉपरली हो रहा है yes, हो या नहीं हो रहा है क्योंकि शुरू से ही बच्चों अगर हम अपने आप को डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे ठीक है बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे एकदम रेगुलर होके पढ़ेंगे रिवीजन शुरू शुरू में ही करते रहेंगे तो बाद में जाके बहुत फायदा होने वाला है आई एम गुड आस्क यू सम क्वेश्चंस बच्चों ठीक है चलो ओके मैम <coughs> क्या हम फिफ्थ सेप्टेम्बर को पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ोगे बच्चों उसकी कोई छुट्टी नहीं होने वाली तो मैं तो पहले ही बता रही हूँ आई एम गोइंग टू टेक क्लास ऑन फिफ्थ सेप्टेम्बर ऑलसो येस चाहे तो मुझे कुछ भी बोलो ओके okay, जो बच्चा नया है मेरी क्लास में बच्चों वेलकम टू माई क्लास आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह बायोलॉजी एडुकेटर मैं पिछले सात साल से पढ़ा रही हूँ बच्चों मैंने पी एच डी करा एम एस सी कराया बाकी सब आपको यहाँ मेरे इंट्रोडक्शन में दिखी रहा है कि तीन नए स्पीशीज डिस्कवर करें डिस्कवर करें दस रिसर्च आर्टिकल लिखे हैं एंड बहुत सारे बच्चों को टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुँचाया बच्चों एंड मैं आ, अपने सब्जेक्ट को ऑनेस्टी के साथ पढ़ाती हूँ ठीक है अपना जो जो मैं पढ़ाती हूँ ना मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे पढ़ाती हूँ कि बस अंदर चली जाती हूँ बहुत ज़्यादा सो डू लेट मी नो ठीक है आपका जो फीडबैक है वो भी मुझे हेल्प करेगा अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं हम ये वाला इस चीज़ को ऐसे कर लें तो और भी मज़ा आएगा तो मुझे ज़रूर बताना ठीक है बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्रूव एज अ टीचर ठीक है ताकि तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा हो मुझे पता है सात साल का एक्सपीरियंस है बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई नो एवरी थिंग ठीक है इसका मतलब ये होता है बच्चों पूरी लाइफ आपके पास इंप्रूवमेंट के लिए स्पेस होती है येस ठीक है एंड दैट तो ओनली यू कैन टेल मी ठीक है ओके okay. <laughs> आप बच्चों मेरे साथ प्लस पे आइकॉनिक पे जुड़ सकते हो राइट ठीक है आप मुझे प्लस पे और आइकॉनिक पे जुड़ सकते हो ये हमारे प्लेटफॉर्म है आने अकेडमी के जहाँ पे बच्चों आपको प्लस पे आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं वीकली टेस्ट मिलते हैं ठीक है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है वहाँ पर पूरा को पूरा प्लानर मिल जाता है उसके हिसाब से आपकी सारी क्लासेस चलती हैं हर हफ्ते आपके टेस्ट होते हैं बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो आपने उस हफ्ते खत्म करा आइकॉनिक इज मच मच बेटर क्यों वहां पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है आपके लिए एक इंसान एक टीचर आपके लिए डेडिकेटेड असाइन हो जाता है तो जो भी तुम्हारे दिमाग में डाउट्स आते हैं ना कि ये कैसे करे सीधा उनको कॉल करो भाई ठीक है वो तुम्हें तुम्हारी हेल्प करेंगे दे आर ऑल्सो गोइंग टू प्लान योर स्टडीज ये तो तुम पूछते रहते हो ना टाइम टेबल कैसे बनाए इस चैप्टर को कैसे पढ़ें अरे हे भगवान एनसीआरटी कैसे पढ़ें दो दे आर गोइंग टू हेल्प यू हर कदम पे तुम्हारी हेल्प करने वाले बच्चों टेस्ट का एनालिसिस स्टडी मटेरियल आपके घर पे पहुंच जाता है दस परसेंट ऑफ मिल रहा है अभी तो ठीक है बच्चों और यू विल बी पर्सनल मेंटोरशिप ग्रुप एंड दिस इज अमेजिंग यू एंड सैट आपका स्कॉलरशिप का एग्जाम आ रहा है बच्चों वी अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट

और शाम को अपना एक सेशन भी है शाम को 7 पी एम, मेरे जो ट्वेल्थ वाले गार्डियंस हैं उनके लिए मैंने सेशन रखा है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पी वाई क्यूज हम डिस्कस करने वाले बच्चों ये मिस नहीं करेगा कोई भी यस yes? ठीक है मैम आप टेलीग्राम पर डेली गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा करो अरे मैं पहले भेजती थी बच्चों बीच में ना मेरी तबीयत थोड़ी सी हाँ ओके okay, बीच में बच्चों भाई तबीयत थोड़ी सी ना डिस्टर्ब चल रही थी तो मैं नहीं कर पाती थी अभी सब एकदम सही हो जाएगा ठीक है यू विल बी देयर ओके वेरी गुड चलो भाई अब जरा हम शुरू करते हैं हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था बालकों को क्या पढ़ा था ज़रा मैं एक बार निकाल के देखूँ तो क्या पढ़ाई करी थी तुमने लास्ट टाइम हाँ अस सी वेयर इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इसमें नहीं है गायब हो गया मैम यहाँ से तो कोई बात नहीं मेरे को पता है क्या पढ़ा था ठीक है मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ा था आप मुझे फटाफट फड़ से जवाब दे देना जरा ठीक है फटाफट फड़ से यस पूरी की पूरी बायो मैं कंप्लीट कराऊंगी बच्चों ऑल द चैप्टर्स ठीक है जुआलॉजी बॉटनी सब कुछ कंप्लीट कराऊंगी तो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था बच्चों करा थाल ऑनॉको से बना हुआ था वॉट वॉज द कम्पोजिशन ऑफ द सेल ऑनॉक बच्चों ग्लाइको कैलिक्स जो सबसे ऊपर वाला था किस लिए चिपकने के लिए काम आता है ठीक है देन दूसरे नंबर पर था सेल वॉल किस लिए सेल का स्ट्रक्चर को मेनटेन करता था एंड देखो लास्ट में हम एनसीआर रीडिंग भी करने वाले तो डू नॉट मिस द सेशन एनसीआर टी रीडिंग भी मैं आज कराने वाली हूँ तो सेशन को मिस नहीं करने का है ओके okay? ये बात हो गई ये ओके चलो तीसरी चीज क्या थी बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई जस्ट वॉन्ट टू जॉग योर मेमरी तुम्हारी याददाश्त थोड़ी सी वापस आ जाना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम था बच्चों याद है तुम्हें मैंने तुम्हें बोला था मॉल ठीक है मॉल का जो दरवाजा होता है वहां कोई भी चला जाता है दैट इज लाइक सेल वॉल ठीक है एंड सेल वॉल इज नॉन लिविंग पार्ट बट योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिबल इट इज द लिविंग पार्ट ठीक है एक और बात यहीं पर लिख लो सेल वॉल सबसे पहली बात ठीक है इस बच्चों नॉन लिविंग नॉन लिविंग है ओके एंड ऑल्सो फ्रीली परमिएबल किसी को भी आने देता है फ्रीली परमिएबल ठीक है किसी को भी आने देगा बोलोगा तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ लेकिन जो मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ध्यान रखेगा सेल का ठीक है ये क्या करेगा कि भाई सारे लोग नहीं आने चाहिए ठीक है जिनकी जरूरत है सिर्फ वो आए दिस इज द लिविंग पार्ट बच्चों आपका लिविंग पार्ट यहाँ से शुरू हो जाता है दिस इज सेमी परमीएबल ये क्या है बच्चों सेमी परमीएबल होता है मतलब किसी किसी को जाने देगा किसी किसी को रोक लेगा जो चीजें यूजफुल है उनको बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाने देगा जो नहीं है उनको बोलेगा टाटा बाबा है तुम यही रहो बाहर ही रहो ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, ठीक है चलो आ जाओ हाँ जी हां जी हां जी करेक्ट करेक्ट यस रोहन ठीक है यहां पे सब एंटर हो जाएंगे बच्चों यहां पर सब एंटर नहीं होते ओके okay? यस yes. टाइम द सोवेंट आर अलाउड ओनली जब आप मेरे साथ ट्रांसपोर्ट चैप्टर करोगे ना तो मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ प्लाज्मा भी करवाऊंगी ठीक है तब करवाऊंगी बच्चों में हम वो पढ़ते हैं यह बात हो गई और हमने क्या करा था और हमने करा थाल था, वॉल में आ, सेल प्लाज्मा में उसको क्या बोलते हैं बच्चों वॉट आर द इन फोल्डिंग फटाफट फटाफट देखो रिविजन थोड़ा सा होना चाहिए चैप्टर का शुरू होने से पहले है ना और मैम को ए कौन देगा ए प्रोवाइड करने की मैम को किसकी जिम्मेदारी है तुम्हारी जिम्मेदारी है है ना ओके तुम्हारी जिम्मेदारी है राइट तो लाइक कर दो बच्चों सेशन को और शेयर कर दो यस ज नॉट क्रिस्ट इट इज मीजो मीजोजोम का क्या फंक्शन होता है बच्चों मीजोजोम का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन मीजोजोम का फंक्शन होता है सेल को डिविजन करने में भी हेल्प करना डीएनए को रेप्लीकेट करना डीएनए को डिवाइड करना आई रियली होप यू ऑल हैव रिवाइज एवरी थिंग एवरीथिंग ओके वेरी गुड बच्चो वेरी गुड ठीक है तो ये हो गया और हमने क्या करा था यस yes. हमने पढ़ा था बच्चों लास्ट में क्रोमैटोफोर्स ठीक है अब मुझे फटाफट से बता दो क्रोमैटो मुझे कहां मिलेंगे कौन से बैक्टीरिया में मिलेंगे बच्चों फटाफट से क्रोमैटो फोर्स क्रोमैटोफोर्स कहां मिलेंगे क्रोमैटो आर प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनिज्म फटाफट से वेरी गुड वेरी गुड आई कैन सी द आंसर अरे वाह क्या बात है साइन बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलगे वेरी गुड बच्चों वेरी गुड वेरी गुड ठीक है किधर मिलते हैं साइन बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एलगे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं ओके okay, तो ये हमारा एक क्विक रिविजन हो गया ठीक है अब हम चलेंगे आगे ओके okay, जी एंड प्लीज यू ऑल हैव योर एनसीआर टीज विद यू बच्चों ठीक है ऐसे चेक भी करते रहना कि ये वाली लाइन हुई या नहीं हुई ये वाली लाइन हुई या नहीं हुई ठीक है ऐसे थोड़ा ध्यान रहता है ओके ओके यस रिंकी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ओके चलो बच्चों <coughs> पूरा बायो कंप्लीट होगा बच्चों पूरा बायो कंप्लीट होगा इवन दो आई एम नॉट इन द यू नो बेस्ट ऑफ माय हेल्थ मैं लेकिन यहाँ देखो बैठ के पढ़ा रही हूँ ना मेरे को बैठने में भी प्रॉब्लम होती है बट मैं पढ़ाती हूँ <coughs> चलो यस लेट अस स्टार्ट ठीक है आज हम कहाँ से शुरू करें आज हम न्यूक्लियोइड से शुरू करते हैं बच्चों जेनेटिक मटीरियल से शुरू करते हैं या फिर नहीं नहीं चलो पहले हम शुरू करेंगे सेल एक्सटेंशन से फिर बाद में जेनेटिक मटेरियल बताऊंगी ठीक है तो पहले हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक क्या है भाई लोगों और बहनों आज का टॉपिक है बच्चों सेल एक्सटेंशंस ठीक है सेल एक्सटेंशंस ना व्हाट आर सेल एक्सटेंशंस मान लो मेरा जो सेल है उससे ये मेरा हाथ ऐसे मेरा हाथ ठीक है मेरे हाथ से ये एक ये निकला, ये निकला ये निकला ये निकला ये निकला ऐसे निकला ये क्या एक्सटेंशन से बन गए ना मेरे सेल के तो ऐसे ही मान लीजिए ये है आपका एक सेल और बच्चों अगर सेल में इस तरह की कुछ चीजें निकल आए उनको हम क्या बोलते हैं सेल एक्सटेंशन तीन तरह के होंगे दे आर ऑफ थ्री टाइप्स देखे जरा किन तीन तरह के सेल एक्सटेंशन मिलते हैं बैक्टीरिया में सबसे पहले हम एक प्यारा सा बैक्टीरिया बनाएंगे है ना सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों प्यारा सा बैक्टीरिया बनाएंगे इंदिरा मैंने ह्यूमन जीनोम के पीडीएफ सेंड करे हैं बच्चे करे हैं करे हैं बिल्कुल करे हैं ठीक है बिल्कुल करे हैं <laughs> मैं फिर से करूंगी ठीक है मैं फिर से करूंगी राइट चलो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मिले आपको आई विल सेंड दम अगेन यार कोई बात नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आ जाओ सो सेल एक्सटेंशंस में हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे ठीक है हम उसको फिर लेबल करते रहेंगे कि ये ये चीजें होती हैं यस आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया ओके ये लो ये बनाया हमने एक सेल ठीक है गोलू मोलू सा हमारा सेल बन गया <coughs> अब जो इस सेल में मैं बनाने वाली हूँ तीन तरह के एक्सटेंशंस याद रखो ठीक है मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ लिटल स्मॉल ताकि तीनों तरह के एक्सटेंशन मैं इसी में फिट कर आई मेक इट अ स्मॉल बच्चों थोड़ा सा छोटा बना लेंगे ठीक है क्योंकि मुझे तीनों तरह के एक्सटेंशन बनाने हैं ना पहला एक्सटेंशन क्या होता है पहला एक्सटेंशन होता है बच्चों पहला एक्सटेंशन होता है तुम्हारा ठीक है पहला एक्सटेंशन मैंने बनाया फ्लैजिला ओके डू यू सी कि मैंने अंदर तक इसको कैसे मैं अंदर से इसको बना के लेकर आई हूं कैन यू सी दिस इसका मतलब ये, इसका कुछ पोर्शन अंदर भी अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी एम्बेडेड होता है बच्चों सेल वॉल में भी एम्बेडेड है ठीक है ऐसा सुपरफिशियल नहीं है ये सो दिस इज व्हाट दिस इज द लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों यस yes! जिनको बोला जाता है ये आई विल कंप्लीट द होल सिलेबस बच्चो कॉस्टम डरने की बात नहीं है ठीक है चलो ये हो गया अब हम दूसरे नंबर पर क्या बनाए दूसरे नंबर पे हम बनाएंगे छोटे 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 ब्रिसल्स लाइक -like। जैसे जैसे कॉम होता है ना कंगी होती है ना कंगी कंगी के छोटे 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 कैसे होते हैं ब्रिसल लाइक -like सर्फेसेज होते हैं तो वैसा बना लेते हैं चलो बनाते हैं ये लो ठीक है ऐसे ऐसे बना दिया ओके देख रहे हो कैसे लहरा रहे हैं बच्चों इन सबके फंक्शंस भी करेंगे एवरी एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट ठीक है ऐसे मत सोचना कि ये Uh, तो छोटी सी चीज है इससे क्या क्वेश्चन आएगा हर एक चीज से क्वेश्चन आ लेगा जब एक एक लाइन को हम क्लियर करने वाले हैं डन ये हो गया अब तीसरे नंबर पे तो मुझे तीसरा कलर चाहिए होगा एक और कोई रंग चाहिए होगा ब्लू कलर ले, ले लेते हैं बच्चों थर्ड नंबर पे एक और स्ट्रक्चर तुम्हें मिलेगा विच इज नॉर्मली प्रेजेंट इन पेयर ठीक है नॉर्मली वो पेयर में प्रेजेंट होता है बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे इन चीजों को वो हम बाद में बताएंगे पहले मैं यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बना दू दिस इज नोन एज अच्छा क्या बोलेंगे तो मैं बाद में बताऊंगी रुक जाओ ये लो देख रहे हो तो मैंने तीन तरह के स्ट्रक्चर बनाए एक बहुत ही लॉन्ग है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों फ्लैजिला एक मीडियम साइज का मिला जिसको हम क्या बोलते हैं पिलाई ठीक है एक सबसे छोटा है जिसको हम क्या बोलते हैं फिम्बरी इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी ठीक है मैं हर एक का फंक्शन भी बताऊंगी स्ट्रक्चर भी बताऊंगी बच्चों ठीक है चलो ये हो गया पहले मुझे सबसे पहले बता दो कि सबसे लंबा स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया के पास है सेल एक्सटेंशन में उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम बोलते हैं फ्लैजला ठीक है उसको हम बोलते हैं फ्लैजला दूसरे नंबर पे जो है बच्चों मिडल ठीक है जिसका हाई लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे पिलाई बोलेंगे तीसरे नंबर पे जो सबसे छोटू छोटू छोटी छोटी उसको हम क्या बोलेंगे फेमरी बोलेंगे अब इनको लेबल कर लें ठीक है लेवल करते करते ही इनके पार्ट्स भी देख लेंगे और इनके बारे में पढ़ भी लेंगे आ जाओ लेट एस स्टार्ट तो मैंने येलो कलर से अगर फ्लाजला बनाया है तो मैं येलो कलर से ही फ्लाजला लिख देती हूं. लेकिन उसके पार्ट्स भी लिखेंगे बच्चों देखो जो पार्ट ये एम्बेडेड है ना नीचे अंदर की तरफ जो पार्ट लगा हुआ है ठीक है ठीक है लगा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं दिस इज नोन एज बेजल बॉडी मैं इसका जूम करके तुम्हें ना अलग लिखवा भी दूंगी चलो जूम करके लिखवाती हूँ अलग कहीं दिस इज बच्चो फ्लाजिला तुम्हारा माइक्रोस्कोप बनूंगी आज बिल्कुल दिस स्ट्रक्चर इज नंबर वन फ्लाजला ओके okay? सबसे पहले तुम लिखोगे कि किस चीज से बना हुआ है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों किस चीज से बना हुआ है दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लाजुलिन ठीक है क्योंकि मैं तुम्हें तो यू कैरी का फ्लैजला भी बताऊंगी फिर देखना फिर मैं तुमसे डिफरेंस पूछूंगी कि क्या डिफरेंस है यू कैरी और प्रो कैरीऑट में पता होना चाहिए तब ठीक है गार्गियन हो तुम्हें तो सब सब कुछ पता होना चाहिए यस yes बच्चो तो पहले लिखो मेड ऑफ मेड ऑफ प्रोटीन कौन से प्रोटीन से बना बच्चों वेरी इजी टू रिमेंबर फ्लैजला अगर नाम है तो फ्लैजलिन से बना हुआ है अरे बाबा बाजिलिन ठीक है कौन से प्रोटीन से फ्लाजिलिन से बना हुआ है ओके okay? ओके okay जी ठीक है बेजल बॉडी वगैरह मैं अभी इसको जूम करके बताऊंगी तो तुम्हें पता चलेगा येस yes? चलो जी नेक्स्ट बच्चों आ जाओ कि काम क्या है इसका ठीक है इसका काम क्या है इट्स फंक्शन इज बच्चों लोकोमोशन ये तुम्हारे बैक्टीरिया को मूव कराता कर है मान लो बैक्टीरिया यहां पर है इधर है इधर है ठीक है वो सेंस करा उसने कि यहां पे ना कुछ अच्छा खाना है तो उसको इधर जाना पड़ेगा उसको कौन मूव कराएगा कर ये फ्लाजिला ऐसे ऐसे को आगे धक्का देता है और फिर तुम्हारा आगे चला जाता है तो इसका फंक्शन क्या है वॉट इज द फंक्शन क्वेश्चन पूछा जा सकता है फंक्शन क्या है बच्चों? लोकोमेशन लोकोमोशन माने मूवमेंट ठीक है माने मूवमेंट फंक्शन क्या है लोको मोशन ब्रैकेट में हम चुपके से लिख लेंगे मूवमेंट अगर हमें नहीं पता चलता लोको मोशन क्या होता है तो हम लिखेंगे यहां पे चुपके से क्या लिखेंगे बच्चों मूवमेंट लिखेंगे ठीक है यस वेरी गुड वेरी गुड हो गया अब बच्चों इसका नंबर और अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है ये चीज याद रखनी है नंबर एंड अरेंजमेंट नंबर एंड अरेंजमेंट वेरीज

फिलामेंट इसको क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है फिलामेंट। क्यों बोला फिलामेंट? क्योंकि फिलामेंट की तरह ही लग है लंबा थ्रेड के जैसा फिलामेंट के जैसा तो हमने ज्यादा इस पर मेहनत नहीं करी हमने ये नहीं सोचा कि चलो इसका कोई फैंसी नाम रखने नहीं हमने सोचा चलो फिलामेंट ही बोल देते हर बार क्यों फैंसी नाम रखने तो फिलामेंट तो अब मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया है कि फिलामेंट क्या होता है तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर रही हूँ ताकि अपना डायग्राम बने नीट एंड क्लीन ये क्या बच्चों दिस इज फिलामेंट और यहीं पे हम चुपके से क्या लिखेंगे दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ठीक है दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लाजेला लॉन्गेस्ट पार्ट देन बच्चा लोग ठीक है ठीक है ओके okay, चलो इतनी बात समझ में आई अब अगर मैं और यहां पे मूव कर जाऊं कैन यू सी हियर मैं इसको रोटेट नहीं कर सकती बट क्या आप यहां देख सकते हैं कि बच्चे जहां से फ्लैजला निकल रहा है ना तुम देख रहे हो फ्लैजला थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड होता है हल्का सा ऐसे कर्व्ड होता है सीधा नहीं है बिल्कुल हल्का सा ऐसे कर्व्ड दिख रहा है आपको दिस पोर्शन जहां से फ्लैजला का जो फिलामेंट है एकदम इमर्ज होता है इट इज नोन एज हुक अब हुक कैसा होता है ऐसी शेप का होता है ना हुक यहाँ पे बच्चों हमने ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखाई ठीक है हमने इसे क्या बोल दिया हुक बोल दिया हमने इसे क्या बोला हुक दिस पार्ट दिस कर्व्ड पार्ट ऑफ द फ्लैजुला इज नोन एज हुक यहाँ पे भी हमने कुछ ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई नहीं ठीक है डन बच्चो यस तो विल कॉल दिस हुक द सेकेंड पार्ट वी विल से ये हुक है हुक कौन सा पार्ट है बच्चों कर्व्ड है यहां लिख सकते हो तुम कर्व्ड पोर्शन कर्व्ड पार्ट ठीक है दैट अराइजेस दैट इमर्जेस जो एकदम से सेल के ऊपर आएगा अच्छा अब तुम्हें पता है दुनिया की सबसे छोटी मोटर कहां है डू यू नो दैट द स्मॉलेस्ट मोटर इन द वर्ल्ड कहाँ मिलेगी तुम्हें यहां मिलेगी बेजल बॉडी में मिलेगी फ्लैजला के ठीक है फ्लैजला की बेजल बॉडी में बच्चों आपको मिलती है दुनिया की सबसे छोटी मोटर ठीक है तो इसको हम क्या बोलते हैं दिस इज़ बॉडी तो तीसरा पार्ट क्या हो गया बच्चों अपना बेजल बॉडी यहां से यह अराइज होता है ठीक है यहां से यह क्या होता है अराइज होता है ठीक है चलो आ जाओ फिर से देखो फिर से देखो फिर से देखो ठीक है फिर से देख लो आपके पास ये एक बैक्टीरिया है ठीक है बैक्टीरिया के पास एक सब से लंबे वाला एक्सटेंशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं फ्लैजला बोलते हैं फ्लाजुला बैक्टीरिया के पास अलग अलग बैक्टीरिया हो सकते हैं किसी के पास चार फ्लैजला हो सकते हैं किसी के पास हजार फ्लैजला हो सकते हैं किसी के पास सिर्फ एक हो सकता है मर्जी सब अलग अलग है है ना एवरीबडी इज यूनिक तो दैट इज किस चीज से बनाए बच्चों फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ है करेक्ट ठीक है अब इसके तीन पार्ट होते हैं एक जो सबसे लंबे वाला पार्ट तुम्हें यहां दिख रहा है दैट दैट इज इज फिलामेंट ओके ये ये जो जो कर्व्ड पार्ट तुम्हें दिखता है हुक। ये जो है हुक नीचे एम्बेडेड उसको हम बोलते हैं बॉडी इसका एक डायग्राम में सोच रही हूं बना दू तुम्हारे लिए जूम करके बना दिया जाए तुम्हारे लिए है न? क्या बोलते हो क्या बोलती है जनता जनता क्या बोलती है बना देते हैं ठीक है इसको बच्चों में जूम करती हूँ ठीक है आई जूम दिस पार्ट एंड आई मेक इट लाइक दिस देखो मान लो ये है तुम्हारा सेल वॉल थोड़ा सा मोटा पहन लेते हैं मान लीजिए बच्चों ये है तुम्हारा सेल वॉल ठीक है एंड दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन ठीक है जी अच्छा अब फ्लैजला कैसा लगा होता है फ्लैजला ऐसे तुम्हारा लगा हुआ यहां पर इस तरह से तुम्हारा बेजल बॉडी है बेजल बॉडी में ही आपका मोटर लगा हुआ है बच्चों यहां कहीं आपका वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट मोटर लगा हुआ है जो फ्लैजला को मूव कराता है ठीक है तो यहाँ ऐसे ऐसे आ गया और ये आया तुम्हारा हुक देख रहे हो तुम ये आया तुम्हारा हुक और यहाँ से ये फिलामेंट चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा तो so बेसिकली मैंने क्या बनाया मान लो ये है तुम्हारे पास एक छोटू सा बैक्टीरिया का सेल यहां से निकला तुम्हारा फ्लैजला इसी को बच्चों इस पार्ट को मैंने जूम करके बना दिया ठीक है इसी पार्ट को मैंने जूम करके बनाया इज इज दिस दिस योर वेजल बॉडी बॉडी बच्चों इसी पार्ट में मोटर होता है दुनिया का सबसे छोटा मोटर जो फ्लैजला को चलाता है ये क्या है बच्चों दिस इज द हुक वाला पार्ट ठीक है ये आपका हुक हो गया फ्लैक्सीबल है और ये ये फ्लैजला का सबसे लंबा पार्ट ठीक है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट फ़िलामेंट इसको प्रोपेलर भी बोला जा सकता है क्योंकि यही है जो बैक्टीरिया को मूव कराने वाला है ठीक है यस yes बच्चों, ठीक है ओके okay. अब मुझे बता दो ये सबको समझ में आया तो हम आगे चलें। आर वी डन विद फ्लैजुला बच्चों? क्या फ्लाजुला सबको समझ में आया यस बेजल बॉडी के पास होता है वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट मोटर ठीक है बच्चों? ओके okay, आगे चलते हैं चलो यस 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 करके दिल बना के फटाफट से बता दो ठीक है दिल बना के फटाफट से बता दो यस लॉन्गेस्ट पार्ट इज फिलामेंट यस मैम यस मैम यस मैम वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड फ्लैजला के ये सारे पार्ट है बच्चों फ्लैजला के तीन पार्ट हैं ठीक है फ्लैजला इज अप ऑफ थ्री पार्ट्स मैं यहां लिख देती हूँ या नीचे लिख देती हूँ ठीक है फ्लैजला हैज थ्री पार्ट्स फ्लैजला ज थ्री पार्ट्स कौन से पार्ट्स है फिलामेंट है बच्चों ठीक है विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट मैंने वहां पर लेबल कर दिया है देन बच्चो यू हैव हुई फ्लेक्सीबल होता है जो जो आपका ये आ, 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 फिलामेंट होगा उसको कहीं भी किधर भी रोटेट कर देगा ओके एंड तीसरा पार्ट इज बेजल बॉडी बेजल बॉडी जिसके अंदर होगा मोटर तो वन टू एंड थ्री डन ठीक है ओके चलो आगे चले बच्चों आ जाओ ये हो गया अब हम मूव ऑन करते हैं नाउ वी विल टॉक अबाउट मैम मेरे पास एनसीआरटी नहीं है पर एम टी जी एन सी आर टी फिंगर टिप्स की बुक है उसमें यह डायग्राम नहीं है पर हम क्या करें प्लीज मैम बता दे बच्चों आप मेरे साथ ये डायग्राम बनाओ ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ये चीजें समझने के लिए बहुत जरूरी है आपकी बुक में सीधा सीधा लिखा हुआ है उससे समझ नहीं आएगा आपको ये डायग्राम्स बनाने हैं मेरे साथ ठीक है आपको मेरे साथ ये डायग्राम बनाने हैं बच्चों यस चलो <coughs> आ जाओ अब बच्चों हम ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं ये जो छोटू सा स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है अब इस पर फोकस करें दिस वन इज नोन एज दिस वन इज नोन एज पाइलस सिंगल है तो बच्चों मैं इसको पाइलस बोलूंगी ठीक है सिंगल है क्योंकि ये एक ही है तो मैं इसको पाइलस बोलूँगी अगर दो होते तो पिलाई बोल सकते थे ठीक है तो लिखो यहां पर वी विल राइट दिस इज पाइलस और कैसा पाइलस ऐसा वैसा पाइलस नहीं है दिस इज ऑल्सो नोन एज सेक्स पाइलस दो हो गए तीन हो गए तो पिलाई बोल देंगे ठीक है चलो दीज पिंक स्ट्रक्चर जो मैंने बोला था कॉम्ब के जैसे जो होते हैं कॉम्ब के ऊपर जो तुम्हारे लगे होते हैं छोटे 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 ब्रिसल्स या फिर टूथब्रश जो है टूथब्रश पे जो ब्रिसल्स लगे होते हैं बच्चों उनको हम क्या बोलेंगे फिम्बरे दीज आर नोन एज फिम्बरे जरा देख लें इनका भी क्या काम है जरा देखें इनका काम क्या है ओके इनको क्या बोला जाएगा बच्चों फिमरे दे आर नोन एज फिमरे फटाफट से लेबल कर लो लेबल कर लो इनका फंक्शन पूछा जाता है वेरी गुड शिवम वेरी गुड पानी पी लू मैं जरा वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड कई बच्चे इतने ध्यान से पढ़ते हैं ना यहां पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ओके ठीक है चलो अब हम एक एक करके सेक्स पिलाई का फंक्शन लिखेंगे बच्चों ठीक है तो मैं इस पेज पे आपको दोनों के फंक्शन लिख रही हूं अब सो विल फर्स्ट राइट लिख लेते हैं चलो पहले पहले हम लिख लेते हैं बच्चों पहले क्या लिखें फिमरी लिख लें फिमरी लिख लें थैंक यू विक्ट्री क्वीन थैंक यू थैंक यू बच्चो आ जाओ फिमरी लिखते हैं बस मेरा जो ये आजकल आईपैड है ना थोड़ा सा बेचारा ना हिल जाता है ठीक है जब इसको काम करना चाहिए ये आई आई नीड टू यू नो मेरे को शायद इस पर कुछ अपडेट वगैरह होगा शायद जो मुझे कराना चाहिए हाँ बच्चों मैं बताऊंगी फिमरी का क्या काम है आ जाओ लिखो प्यारे प्यारे नोट्स बना लो ठीक है फिम्बरे ओके फिम्बरे क्या करेंगे फिम्बरी कैसे थे बच्चों स्मॉल ब्रिसल लाइक थे अब टूथब्रश देखना अपने घर पे जाके ठीक है घर पे तो हो ही तुम घर पे जाके क्यों बोल रही हो टूथब्रश देखना क्लास खत्म हो गया। देखना, उस उसपे पतले 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 बाल जैसे लगे होते हैं ब्रिसल लाइक -like स्ट्रक्चर होते हैं ये भी वही है ये भी वही है ठीक है तो दीज आर स्मॉल ब्रिसल लाइक ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर बच्चों ठीक है स्ट्रक्चर ये क्यों प्रेजेंट होते हैं इनका क्या कह आपने वो वाला एक फ्रूट देखा है आ, एक, एक कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके जो फ्रूट्स बनते हैं ना वो ऐसे होते हैं बच्चों शायद कुछ बच्चों ने देखे होंगे ऐसे ऐसे उनके ऊपर नहीं हल्के 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 इस तरह के कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो ना हमारे स्वेटर पे चिपक जाते हैं बालों में चिपक जाते हैं हर जगह चिपक जाते हैं क्या आपने ये देखा है क्या आपने देखा बच्चों फटाफट से बताओ अच्छा सुखदेव आई विल ट्राई आई विल ट्राई

Uh, क्या कहते हैं फिम्बरी एंड ग्लाइकोकैलिक्स या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों जिसका फंक्शन सेम है याद रखना फिम्बरी एंड ग्लाइको कैलिक्स बच्चो, yes बच्चो? Okay. <coughs> नहीं होते बच्चों आर डिफरेंट सेजल स्पाइन पढ़ने के लिए तुम्हें मेरा मॉर्फोलॉजी uh, का सेशन लगाना पड़ेगा जब भी मैं शुरू करूंगी ठीक है मॉर्फोलॉजी पढ़ना मेरे साथ सब क्लियर हो जाएगा स्पाइन क्या होता है थॉर्न क्या होता है दोनों में क्या फर्क होता है अलग ही अंदाज से पढ़ेंगे हम मॉर्फोलॉजी ठीक है चलो स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं अटैचमेंट के लिए यूज होते हैं अटैचमेंट अटैचमेंट टू होस्ट टिश्यू ठीक है हमारे अंदर जब बैक्टीरिया चला जाएगा तो कैसे चिपकेगा इससे चिपकेगा और एनी सबस्ट्रेट एनी सबस्ट्रेट बच्चों ठीक है कुछ भी हो सकता है पत्थर हो सकता है रॉक हो सकता है रिवर हो सकता है इट कैन बी एनीथिंग एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी चिपक जाते हैं बैक्टीरिया कहीं भी चिपकता है यस ओके स्पाइन इन टेंडेस बच्चों आपका मोरफॉलोजी काफी गड़बड़ाया हुआ है बट डोंट वरी डोंट वरी आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग ठीक है प्लांट फिजियोलॉजी ऐसा मक्खन करूंगी ना चलो जब पढ़ेंगे तब देखना चलो आ जाओ बच्चों फिमरी हो गया नाउ मूविंग ऑन टू पाइलस ठीक है अब हम बात करेंगे पाइलस की या फिर पिलाई लिख देते हैं हम पिलाई इज प्लूरल।, प्लूरल हो गया पिलाई सिंगुलर हो गया पाइलस किससे बना हुआ है दिस इज मेड अप ऑफ पहली चीज आपसे पूछी जाएगी कि ये किस चीज से बना हुआ है दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन ये भी एक प्रोटीन से बना हुआ है भाई साहब किस प्रोटीन से वैसे प्रोटीन के नाम यहां बहुत ईजी है बच्चों पिलन ठीक है या पाइलिन बोलते हैं पाइलिन बोलना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है दिस हेल्प इन हेल्प्स इन बच्चों कॉन्जुगेशन अब तुम्हें कॉन्जुगेशन समझना पड़ेगा ठीक है क्योंकि कॉन्जुगेशन अगर मैंने लिख दिया है इट हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्जुगेशन ठीक है या फिर कॉन्जुकेशन क्या बच्चों यहां पे लिखो प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रिमिटिव टाइप ऑफ टाइप ऑफ सेक्शुअल रीप्रोडक्शन ठीक है इन विच द बैक्टीरिया एक्सचेंजेस इट्स जेनेटिक मटीरियल ये मैं तुम्हें समझाने वाली हूं अभी ठीक है इन विच इन विच बैक्टीरिया ट्रांसफर्स इट्स जेनेटिक मटीरियल ठीक है एक बार हम न्यूक्लियस पढ़ लेना फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि कॉन्जुगेशन क्या होता है क्योंकि उसके लिए मुझे न्यूक्लियस पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों ठीक है कॉन्जुगेशन हाँ बिल्कुल ठीक है तो कॉन्जुगेशन समझने के लिए अब मुझे न्यूक्लियस पढ़ना पड़ेगा राइट right? अब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए प्लाज्मिड क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए न्यूक्लियस यहाँ होता है ना न्यूक्लियोइड क्या होता है ठीक है तुम्हें पता होना चाहिए एक बार फिर से देखो फिमरी के यहाँ बच्चों छोटे छोटे ब्रश जो टूथब्रश तुम करते हो उसके ऊपर छोटे 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 हेयर लाइक ग्रोथ होते हैं ये भी वैसे ही हैं क्या करेंगे अटैच करने में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया कहीं भी चिपक जाता है देन वी हैव पिलाए ठीक है पिलाई का क्या काम होता है कॉन्जुगेशन कराना कॉन्जुगेशन अभी के लिए एक रहस्य है वो कब खुलेगा जब हम पढ़ लेंगे न्यूक्लियस यस बच्चो ठीक है ठीक है ओके यस ठीक <laughs> है चलो ओके क्वेश्चंस <clears throat> ना बच्चों मैं इसके क्वेश्चंस मंडे को कराने वाली हूँ, सुन लो मेरी बात मंडे को 7 पीएम इस चैप्टर का जितना चैप्टर हमारा आज हो जाएगा प्रो कैरियॉर्ट के हम क्वेश्चन करेंगे पी की उस सारे करा दूंगी वो वाला सेशन कोई मिस नहीं करेगा स्पेशल पे होगा बच्चों फ्री सेशन है डू नॉट मिस दैट सेशन ठीक है मैं हमेशा ऐसे करने वाली हूं कि थोड़ा सा कुछ पार्ट कराया फिर उसके क्वेश्चन कर लेंगे ठीक है ओके ओके, ओके? यस बच्चों हाँ आ जाओ मैं बैंगलोर नहीं आ रही बच्चों <laughs> मैं नहीं आ रही मंडे को करेंगे मंडे को करेंगे चलो नाउ वॉट इज अगर मैं न्यूक्लियस अब न्यूक्लियस सुन लो भाई न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड ठीक है जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तभी तुम्हें समझ में आएगा कि पिलास या पाइलस का या फिर पिलाई का क्या फंक्शन होता है लेट स्टार्ट विद दैट जेनेटिक मटेरियल शुरू करते हैं आ जाओ जेनेटिक मटीरियल जेनेटिक मटेरियल इस केस में क्या है बच्चों डीएनए है ठीक है डीएनए ही होता है बैक्टीरिया के पास आरएनए नहीं होता एज ए जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है तो विल राइट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए बच्चों ठीक है और उसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोलते हैं ठीक है जेनेटिक मटेरियल डीएनए है लेकिन वो जिस तरह से पैक्ड है उसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोलते हैं बच्चों क्यों क्योंकि अच्छा फटाफट से बताओ बच्चों यहाँ पे इसके पास न्यूक्लियर ऑनगुलप होता है या नहीं होता है बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियर ऑनवलॉप होता है या नहीं होता है फटाफट से बताओ बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है कम ऑन कम ऑन बच्चों जो मैं चीजें पूछ रही हूं ना उन चीजों का जवाब दो नहीं होता नहीं होता नहीं होता बिल्कुल नहीं होता ठीक है तो हम सबसे पहले यही ना लिख लें सबसे पहले यही लिख लेते हैं बच्चों सबसे पहले हम ये लिखेंगे दैट द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट कवर्ड बाय अ बायॉप लिखो डीएनए विच इज योर जेनेटिक मटेरियल ठीक है बच्चों नॉट कवर्ड बाय नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इस तरह की जो चीज होती है क्या हम उसे न्यूक्लियस बोलते हैं नहीं बोलते इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों दिस इज नोन एज न्यूक्लियोइड इसको क्या बोला जाता है न्यूक्लियोइड बोला जाता है लिखो इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड दिस इज नॉट अ न्यूक्लियर्स तो हमने क्या करा एक फैंसी टर्म लिख लिया ठीक है किस चीज़ के लिए जब मेरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो बढ़िया तरीके से पैक्ड नहीं है ऐसी फेंका हुआ है बस ठीक है मैगी का पैकेट खोला मैगी निकाली और पानी में फेंक दी ठीक है अब पानी में फेंकी हुई मैगी मैगी के पास तो जो गरम गरम तुमने पानी रखा है उसके अंदर मैगी के पास तो कोई कवर नहीं है वो क्या है न्यूक्लियाड जब मैगी नई नई आई थी ठीक है तो कवर्ड थी वो क्या था न्यूक्लियस था इज क्लियर बच्चो वेरी गुड वेरी गुड ठीक है तो ये आपका हो गया, जेनेटिक हो गया गया जेनेटिक वेरी गुड न्यूक्लियस के जैसा न्यूक्लियाड वेरी गुड यस ठीक है तो मैगी का हमने कवर निकाल के फेंक दिया ठीक है तो क्या बना बच्चों हमारे पास न्यूक्लियाड बचा कवर लगा दिया तो न्यूक्लियस बन जाएगा समझे ओके तो हमारे पास डीएनए है लेकिन जो डीएनए है बच्चों ठीक है डीएनए है जेनेटिक मटेरियल विच इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस वी आल्सो हैव सम आर हिस्टोन्स और नॉट प्लस प्रोटीन्स बच्चों कौन से प्रोटीन्स हैं यहां पे क्या हिस्टोन्स होते हैं फटाफट से बताओ फटाफट से बताओ क्या हिस्टोन्स होते हैं यहां बताओ बताओ क्या हिस्टोन्स होते हैं यहां पे नहीं होते हिस्टोन्स बच्चों स्पेशल तरह के प्रोटीन होते हैं जो यू में मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते आ, कभी कभी किसी यू आर की बैक्टीरिया जो बहुत ही प्रिमेटिव से बैक्टीरिया होते हैं उनमें कभी कभी देखे गए हैं लेकिन मोस्टली नॉन हिस्टोन्स होंगे हिस्टोन्स आर एबसेंट बच्चों तो यहां लिखोगे हिस्टोन्स क्योंकि ना हम इसके साथ साथ ना हम दूसरे चैप्टर्स भी करते जा रहे हैं जो जो दूसरे चैप्टर्स में इंफॉर्मेशन यहां कनेक्ट हो सकती है मैं वो जहां सब डालती जाऊंगी हिस्टोन्स नॉट प्रेजेंट नॉट लिख लेना प्लीज नहीं होते ओके okay, तो न्यूक्लियोइड किससे बना है हमारे पास डीएनए है प्लस प्रोटीन है ठीक है डीएनए को थोड़ा सा पैक करना पड़ता है ना तो वो प्रोटीन हेल्प करते हैं डीएनए कैसा है भाई अब तुमसे पूछ लेंगे डीएनए कैसा है डीएनए का क्या कैरेक्टर है डीएनए कैसा होता है बच्चों यहां पर डीएनए होता है गोल सर्क्यूलर ठीक है एंड इट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए बच्चों सर्क्यूलर एंड डबल स्टैंडर्ड सिंगल नहीं होगा बच्चों प्लीज याद रखना अब जहां पर भी मैं डीएस लिखूंगी ना समझ जाना मैं क्या लिख रही हूं डबल स्टैंडर्ड लिख रही हूं ठीक है मैं क्या लिख रही हूं बच्चों डबल स्टैंडर्ड लिख रही हूं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर्कुलर है डबल स्टैंडर्ड है ठीक है इट्स लाइक की महा ये देखो ये 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 क्या है ये 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 एक सर्कुलर ये मैं अपने बालों पे लगाती हूं जब मैं बाल बांध लेती हूं ये सर्कुलर है ठीक है इसको मैं ऐसे 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 करके फोल्ड कर दू ऐसे तुम्हारा डीएनए पड़ा हुआ है इन बैक्टीरिया ठीक है और ये जो पैकेजिंग करी ये किसने करी बच्चों प्रोटीन ने करी है वो जो हमने ऊपर लिखे ना प्रोटीन ये उन्होंने पैकेजिंग करी है अगर मैं इसे खोलू तो ये ऐसा ही दिखने वाला है ठीक है इसलिए हम बोलते हैं सर्कुलर इसलिए हम बोलते हैं बच्चों सर्कुलर हो गया सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड डी अपना हो गया ठीक है चलो अब एक डायग्राम हम फिर से बनाएंगे राइट अब एक बैक्टीरिया फिर से बनेगा मैम आप बहुत सारे बैक्टीरिया बना रहे हो बच्चों हर एक स्ट्रक्चर को समझने के लिए यू नीड अ डिफरेंट डायग्राम ठीक है अगर मैं इसी में बना देती ना इसी में तो खिचपिच हो जाती इसलिए मैं हर एक चीज़ को अलग अलग डायग्राम से तुम्हें बताने वाली हूँ ये है बैक्टीरिया अब मैं सिर्फ न्यूक्लियस वाला पार्ट बनाऊंगी न्यूक्लियोइड वाला ये तुम्हारा बैक्टीरिया है बैक्टीरिया में बच्चों ये है इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड उसके साथ साथ ना एक मजे की बात है इसके पास एक और चीज होती है और वो क्या होती है ठीक है उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको सेकेंड ट्वेल्थ क्लास में भी यूज होगा ये होते हैं गोल गोल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों दीज आर नोन एज प्लाज्मेट इनको क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है प्लाज्मिड ठीक है ये क्या है प्लास्मेड हैं प्लाज्मिड्स क्या होते बताऊंगी ये क्या है दिस इज योर मेन डीएनए ठीक है दिस इज योर मेन क्रोमोजोम ठीक है या फिर तुम इसको मेन जेनेटिक मटीरियल भी बोल सकते हो यस बच्चो मेन क्रोमोजोम या फिर और मेन जेनेटिक मटेरियल है ना इसका मतलब प्लाज्मिट क्या हुए ध्यान से सुनना अगर ये मेन जेनेटिक मटेरियल है बच्चों तो प्लाज्मिट क्या हुए एक्स्ट्रा इफ दिस इज मेन क्रोमोजोम तो प्लाज्मिट क्या हुए एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए दिस इज डीएनए ओनली ये भी डीएनए ही है ये भी डीएनए ही है ठीक है लेकिन ये वाला जो डीएनए है ना बच्चों ये छोटे 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 गोलू बना लिया इसने ये अलग हो गया इंडिपेंडेंट हो गया समझ रहे हो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए बोलेंगे बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन डीएनए मेन डीएनए का ये पार्ट है ही नहीं लेकिन कभी ना कभी ये इसी से मिल बना था बच्चों एवोल्यूशन हुआ एवोल्यूशन हुआ एवोल्यूशन हुआ, हुआ ये बना इसी से था ठीक है लेकिन अब इसने इंडिपेंडेंट कर लिया खुद को ठीक है ना अब इसने क्या कर लिया खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया सो दिस इज योर प्लाज्मिड अब हमें ना यहां पे प्लाज्मिड के बारे में समझना पड़ेगा जिससे हम रिलेट करेंगे पिलाई को ओके चलो प्लाज्मिड प्लाज्मिड बच्चों हम बायोटेक में भी पढ़ने वाले हैं तो ध्यान से सुनेंगे इनको दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए बच्चों डीएस लिख रही हूँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए डन ठीक है ये क्यों है बैक्टीरिया ने क्यों ऐसा करा बैक्टीरिया ने ऐसा इसलिए करा कि देखो बच्चों पूरा का पूरा ये डीएनए पूरा का पूरा ये ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है हाँ सिलेक्ट हुआ, हुआ अब हुआ अब हुआ ओके पूरा का पूरा ये डीएनए तो यार ये तो रुक गया एक सेकेंड बच्चों इसको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा आज इसमें प्रॉब्लम आ रही है इसमें ना प्रॉब्लम आ रही है चलो फिर से कनेक्ट करें आप नहीं होगा ये पूरा डीएनए अगर मैं किसी को ट्रांसफर करूं वाई इज दिस नॉट वर्किंग क्यों नहीं काम कर रहा है यार ये चार्जर से मैंने रिमूव करा हुआ है बच्चों चार्जर इसको लगाया ही नहीं हुआ है आज ना मेरे को शुरू में भी यही प्रॉब्लम आ रही थी ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा था और अब कनेक्ट हो गया तो ये चल नहीं रहा है पेंसिल नहीं चला चला पा रही हूँ मैं नहीं चला पा रही है बच्चो। बच्चो किसी को पता है कैसे करना है मुझे बता दो मैं इसको ऑफ करके फिर से ऑन करती हूँ इतने ना मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें क्या बताना चाह रही थी मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी बच्चों मैं ना आपको ये बताना चाह रही थी कि ये वाला जो पोर्शन है ना इसको हम किसी में ट्रांसफर नहीं कर सकते ठीक है अभी मैं अपने माउस से काम कर रही हूँ इस वाले पोर्शन को हम किसी में ट्रांसफर नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा है इतना बड़ा डीएनए तो हमने क्या करा छोटे 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 टुकड़े बना लिए ये क्या है प्लाजमेट बना लिए नाउ दीज प्लाज्मेट दे कैन मूव इन टू अ डिफरेंट बैक्टीरिया ये किसी और बैक्टीरिया में जा सकते हैं ठीक है ये किसी और बैक्टीरिया में जा सकते हैं अब कोई छुट्टी नहीं है नहीं बच्चों आज ही होगा देखो ऐसे नहीं करते ऐसे नहीं करते ठीक है डिस्कनेक्ट करा मैंने बच्चों मैंने डिस्कनेक्ट करा है ओके okay, तो मेरा लॉजिक समझ रहे हो ये जो मेरा बहुत बड़ा डीएनए था उसको तो मैं मूव नहीं कर सकती हम क्या करेंगे छोटी छोटी चीजों को ही मूव कर सकते हैं इसलिए हमने ये छोटे छोटे क्या बना लिए प्लाज्मिन बना लिए दैट मीन्स ये जो प्लाजमिड है वो मूव करेंगे दूसरे बैक्टीरिया में जाएंगे सो दिस कैन बी ट्रांसफर टू बच्चों डिफरेंट बैक्टीरिया उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ठीक है दैट प्रोसेस इज नोन एज कॉन्जुगेशन उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन आज पता नहीं तुम्हारा ये मेरे को पढ़ाने देगा या नहीं पढ़ाने देगा डिस्प्ले नहीं हो रहा है बच्चों दिख नहीं रहा है मुझे ऑफ करा मैंने बच्चों ऑफ करके ऑन करा है देखो तुम्हें मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो डिस्प्ले गोल गोल घूम रहा है चार्जर मैंने नहीं लगाया बच्चों देर इज नो चार्जर यू कैन सी दैट यार क्या है ये इसके साथ मुझे तुम्हें कॉन्जुगेशन कराना था और वो इसी के साथ पढ़ाया जाता है भाई नहीं हो रहा मेक श्योर sure, योर प्लीज बच्चों दो मिनटों को ठीक है आज थोड़ा सा अपना प्रॉब्लम चल रहा है यार टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम तो हो ही सकता है ना वेट 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 आई एम ट्राइंग टू कनेक्टेड टू डिफरेंट नेटवर्क वो वाईफाई की वजह से भी कभी कभी कनेक्ट नहीं हो पाता है आई रियली होप कि अब हो जाए हो गया हो गया हो गया हो गया भाई लोगों हो गया चलो यस yes. मैं बोल रही थी कि अभी भी पेंसिल नहीं चल रही है यार वाई इज द पेंसिल नॉट वर्किंग बच्चों पेंसिल नहीं चल रही है पेंसिल नहीं चल रही है। कोई मुझे बताएगा पेंसिल कैसे चलेगी बच्चों नॉट वर्किंग करा ऊपर सिर्फ ये आ रहा है बैटरी भी नहीं दिखा रहा है और पेंसिल की बैटरी ऐसा हो नहीं सकता कि कम हो मुझे लग रहा है कि आज हमें ना बाय बाय बोलना पड़ेगा बच्चों नहीं चल रही है भाई आप प्लीज मुझे कुछ को, कोई कुछ बताएगा बच्चों नहीं बच्चों माउस से मैं लिख नहीं पाऊंगी माउस से लिखना बहुत मुश्किल है मेरा पेंसिल ही नहीं चल रहा है पेंसिल ही नहीं चल रहा अच्छा अच्छा एक चीज़ करते हैं एक चीज़ करते हैं हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं इतने ठीक है एनसीईआरटी पढ़ ले इतने आई नो नो आज पता नहीं क्या हो रहा है एनसीईआरटी uh, पढ़ने का ट्राई करते हैं बच्चों वो मैं आपको इससे देखती हूँ ट्राई करती हूँ ओके चलो एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं ठीक है लेट्स नॉट वेस्ट आर टाइम ये जो पढ़ा है ना उसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं ज़ीरो परसेंट बैटरी नहीं है इसमें मेरे में तो है मेरे में तो है मेरे ख्याल से अगर नहीं होती तो वो आ जाता है पता नहीं मैं फिर एन करा देती हूँ अभी ऐसे तो फिर मुझे ये दे दो ना ये तब तक चार्ज हो जाएगी शायद चल पड़े अब हंड्रेड परसेंट दिखा रही है ये पेंसिल का प्रॉब्लम आ गया अब ओके हाँ चलो बच्चों मैंने पेंसिल चेंज करी है आई एम वेरी सॉरी फॉर टुडे आज अपना ना पेंसिल चेंज करिए पेंसिल चेंज करिए बच्चों देख लो तुम पेंसिल इज 100 परसेंट चार्ज पता नहीं कुछ तो हुआ है आई डोंट नो ठीक है चलो गॉड ओ गॉड चलो पहले एन पढ़ लेते हैं ठीक है जो भी चीज़ हमने पढ़ी उसके एन सी एक बार रीडिंग कर लेते हैं आई एम वेरी सॉरी बट यू नो दैट दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मी ठीक है इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ़ मी बच्चो क्या करूँ कभी कभी ना टेक्नोलॉजी के सामने तुम वो हो जाते हो बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हो ठीक है ना सॉरी बच्चों ठीक है इसके नोट्स में सेंड कर दूंगी मुझे भी नहीं अच्छा लगता है जब ऐसे टाइम खराब होता है आई एम वेरी वेरी सॉरी योर टाइम इज वेरी प्रेशियस लेकिन इस चीज में मैं हेल्पलेस हूँ ठीक है ये देखो -दे दूसरा पेंसिल लिया है मैंने ओके okay, चलो आ जाओ चलो फटाफट से अब हम एन पढ़ लेते हैं जो भी हमने करा है फिर उसके बाद आज मैं कर खत्म करवाने वाली हूँ प्रो कैरियर ठीक है चाहे पंद्रह बीस मिनट और पढ़ना पड़े यस बच्चो यस गार्गियंस आर वी रेडी यस यस गार्गियंस आर वी रेडी कमाल बच्चो थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट uh, दो थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी चाहिए मुझे भी गंदा लग रहा है कि uh, हमारा टाइम वेस्ट हो गया यस बच्चों, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन बच्चों यस रेडी ओके चलो एनसीआरटी पढ़ लेते हैं जितना भी हमने कराया अभी हम उसकी एनसीआरटी पढ़ लेंगे फिर मैं न्यूक्लियस वाले की पढ़ाती हूँ बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल या तो बच्चों उसके पास फ्लैजुला हो सकता है या नहीं होगा ठीक है जो मोटाइल है वो क्या होगा पे चुपके से हम क्या लिखेंगे फ्लाजुलेटेड वी विल राइट फ्लाजुलेटेड जो मोटाइल है बच्चों इसका मतलब है वो क्या है इट इज फ्लाजुलेटेड इट इज क्या है फ्लाजुलेटेड और यहां सीलिया नहीं होता ठीक है बैक्टीरिया में सीलिया नहीं होता यस yes, बच्चों बैक्टीरिया में सीलिया नहीं होता ओके okay, चलो नॉन मोटाइल मतलब सीलिया नहीं है इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड फ्लाजिला शो अरेज इन द नंबर एंड अरेन्जमेंट ऑफ फ्लाजिला डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं द टर्मिनोलॉजी आपको याद करने की जरूरत है क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं बैक्टीरियल फ्लाजुल इज कम्पोज ऑफ थ्री पार्ट क्या क्या पढ़ा था हमने फिलाामेंट विच इज द लॉन्गेस्ट यहीं पर लिख लो बच्चो ठीक है अच्छा लिखा ही हुआ है आगे फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन है ओके दैट एक्सचेंज फ्रॉम द सेल सर्फेस टू बेजल बॉडी में बच्चों हमने क्या देखा था कि मोटर यहीं पर होती है जो प्रोपेल करती है हुक क्या था Flexible था हमारा हुक क्या था फ्लैक्सीबल था जो मूव करा देता है ठीक है ओके okay. बच्चों उसके बाद देखे और क्या एक्सटेंशन थे उसके बाद हमारे पास थे एक्सटेंशन जैसे कि जैसे कि वेरी गुड वेरी गुड साइड फ्लेजिला है पिलाई फिम्बरी ठीक है जो भी सर्फेस पे प्रेजेंट होते हैं विच डू नॉट प्ले पार्ट इन मोटेलिटी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन आ चुका है बच्चों यहां पर पीवाई क्यू लिखो यहां पर तुम लिखोगे पी वाई क्यू नोट्स जो बनाए ना वहां पर पीवाई क्यू लिख लेना ओके okay, चलो द पिलाई आर इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन हमने प्रोटीन का नाम लिख लिया है यहां पे इन्होंने सिर्फ ये लिखा है स्पेशल प्रोटीन हमने प्रोटीन का नाम भी लिखा है दैट इज पाइलिन क्या है नाम प्रोटीन का पाइलिन नाम है ठीक है चलो okay, चलो ओके स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल्स स्प्राउटिंग आउट मतलब सेल के अंदर से, से निकल रहे हैं स्प्राउट्स बनते ना जैसे अंकुरित जो होते हैं वो वही ठीक है चलो इन समेक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक एंसर सॉरी ठीक है इन द स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू क्या काम है इसका चिपकाने का काम है इसका सिंपल और कुछ भी नहीं है आ जाइए अब राइबोजोम तो नहीं हमने ये पढ़ना है देयर इज बच्चो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता ठीक है और उसको हम क्या बोलते हैं जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस तो बोलते नहीं है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड दैट इज नोन एज न्यूक्लियॉइड न्यूक्लियस नहीं बोला जाता उसको द जेनेटिक मटीरियल इज बेसिकली नंगू पंगू है उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है There is no nuclear envelope या ये हमने पढ़ा अभी। बच्चों हमारे पास क्या है? सिंगल क्रोमोजोम जीनोमिक डीएनए तुम्हारा ठीक है मेनी बैक्टीरिया डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए इसको हम क्या बोलते हैं क्या नाम दिया था प्लाज्मेड ठीक है प्लाज्मेड का क्या काम होता है बच्चों प्लाजमेट का काम होता है कि वो कुछ यूनिक कैरेक्टर्स देता है बैक्टीरिया को जैसे कि जैसे कि मेरा बैक्टीरिया बन जाता है रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स देखो इसका एक एग्जाम्पल दूंगी मैं तुम्हें बीमार हुए ठीक है मान लो यहां पर चलो मैं तुम तुम्हारा नाम नहीं लेती हूँ तुम बच्चों का क्यों तुम्हें क्यों बीमार करूँ मैं बीमार हो गई ठीक है मैं डॉक्टर के पास गई डॉक्टर ने मुझे दवाई दी डॉक्टर ने मुझे बोला दो दिन देखो उसके बाद मेरे पास आना ठीक है ओके okay, उसके बाद मेरे पास आना बताना मुझे ये दवाई काम करी या नहीं करी एंटीबायोटिक दी डॉक्टर ने मुझे दो दिन के बाद भी बच्चों मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा मैं डॉक्टर के पास गई मैंने उनको बोला कि भाई मेरे को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा डॉक्टर ने चेंज कर दी मेरी दवाई और उस दवाई से मुझे फ़र्क पड़ा क्यों ऐसा हुआ बच्चों क्यों ऐसा हुआ होगा पहली दवाई से मुझे फ़ायदा क्यों नहीं हुआ पहली दवाई से मुझे क्यों नहीं फ़ायदा हुआ क्योंकि मेरा बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट था उसके पास इस तरह का प्लाजमिट था कि वो उस दवाई के लिए रेजिस्टेंट था तो जब डॉक्टर ने दवाई बदली उसके लिए वो रेजिस्टेंट नहीं था और उससे वो मर गया और मैं ठीक हो गई ठीक है तो यस ये बैक्टीरिया को देते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे देते हैं ताकि जो भी हम एंटीबायोटिक यूज करें ना उससे उनको कोई फर्क ना पड़े तुम देख रहे हो ना अभी अभी कैसे सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं वायरस म्यूटेट हो जाते हैं तो बैक्टीरिया भी बच्चों खुद को चेंज करता है स्लोली स्लोली है ना हम बोलते हैं ना कि अरे अब ये दवाई काम नहीं करती क्यों नहीं करती क्योंकि तुम्हारा जो बैक्टीरिया है उसके अंदर भी रेजिस्टेंट आ चुकी है और वो किसने प्रोवाइड करी प्लाज्मेड ने ठीक है वो किसने प्रोवाइड करी बच्चों प्लाज्मेड ने डन ओके आ जाओ आगे देखो

ये हम मैं तुम्हें बताने वाली हूं प्रो कैरियॉर्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्ल्यूशन ये अब हम करेंगे ठीक है लेट एस स्टार्ट लेट लेटे स्टार्ट अपने इतना तो कर लिया हमने अब मैं तुम्हें थोड़े आगे की कहानी बताती हूं जो मैं नहीं बता पा रही थी क्योंकि अपना जो पेंसिल था थोड़ा सा धोखा दे दिया था है ना आ जाओ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मैंने लिखा था इसको है ना तो एक दो चीजें और लिख लेते हैं आज तो वही इंटरनेट पहले मतलब आ... नहीं इंटरनेट तो बेचारा ठीक चल रहा है आज आज अपना आईपैड ही तमाशे कर रहा है कोई ना कोई ना कभी कभी होता है लेकिन हम रुकेंगे नहीं दिस प्रोवाइड्स बच्चों प्रोवाइड्स दिस प्रोवाइड्स यूनिक फिनोटिपिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स जैसे कि जैसे कि जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ठीक है फॉर एग्जाम्पल एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस बालको ठीक है यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो आगे चले हे hey भगवान ओ माय गॉड अरे अच्छा भाई यहाँ पे स्पैमर्स कूद चुके हैं हमारे सेशन को हाईजैक कर लिया स्पैमर से मेरे एक रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे भी ये बोलते हैं कि अब अगर आए हो तो लाइक like करके जाना बस ठीक है चलो आ जाओ ये हो गया बच्चों ठीक है नाउ दिस कैन आल्सो बी ट्रांस दिस कैन आल्सो बी यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द बैक्टीरिया बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं ये जो प्लाज्मिड है ना बच्चों ये क्या कर सकते हैं दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर हाँ जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर ठीक है एक बैक्टीरिया से दूरी दूसरे बैक्टीरिया में ये जा सकता है धन बच्चों, ओके okay. ओके okay, चलो अब इसके मेथड समझ लो कॉन्जुगेशन क्या है? अब तुम्हें समझ में आएगा कॉन्जुगेशन क्या है बच्चों अब तुम्हें समझ में आएगा व्हाट इज कॉन्जुगेशन सी कॉन्जुगेशन होता क्या है मैं बच्चों चैट नहीं देखूंगी कुछ देर तक क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं चैट में क्या ही चल रहा है आई एम गोइंग टू इग्नोर इट आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट द चैट ओके विल जस्ट फोकस ऑन कॉन्जुगेशन क्या होता है आ जाओ मैंने बंद कर दिया अपना चैट यू ऑल्सो डू द सेम थिंग ओके देखो बच्चों कॉन्जुगेशन क्या होता है कॉन्जुकेशन में ना दो बैक्टीरिया हमारे दो प्यारे प्यारे बैक्टीरिया पास आ जाते हैं ठीक है वी हैव टू वेरी क्यूट बैक्टीरिया जो पास आ जाएंगे ये रहा अपना एक बैक्टीरिया ये रहा बच्चों आए हाय दिस इज वन बैक्टीरिया ठीक है दिस इज अनदर बैक्टीरिया मैंने बोला था ना बैक्टीरिया में प्रिमेटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेज बनते हैं यहाँ गैमेज नहीं बनते इसलिए हम इसको एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं बोल सकते तो यहाँ था मेरा प्लाज्मिड ये देखो ये रहा प्लाज्मिड इसके पास प्लाज्मिड है बच्चों इसके पास नहीं है सो दिस इज द डोनर सेल प्लीज इस चीज को ध्यान से सुनना दिस इज द डोनर सेल ठीक है ये 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 आपका है। है? कौन करेगा। किसको प्लाज्मिड को रिसीव करेगा डन इसको मैं बोलती हूं एफ इसको मैं बोलती हूं एफ पॉजिटिव ठीक है इसको मैं बोलूंगी एफ नेगेटिव f क्या है f stands for the fertility factor f stands for fertility fertility factor बच्चों मैं बताऊंगी फर्टिलिटी फैक्टर क्या होता है फर्टिलिटी फैक्टर इज अ टाइप ऑफ प्लास्मिड अ टाइप ऑफ प्लास्मिड ठीक है एक तरह का प्लास्मिड है बच्चों जो इधर से उधर जा सकता है ठीक है जो इधर से उधर जा सकता है जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा सकता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी फैक्टर ठीक है उसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी फैक्टर ये बीच में पता नहीं क्या हुआ था ये आई थिंक इग्नोर इग्नोर बीच में कुछ तो हुआ था बच्चों स्पैमर्स आए थे बहुत सारे स्पैमर्स आए थे और सिर्फ एक दो नहीं बहुत सारे थे वो लॉर्ड ऑफ स्पैमर्स स्पैमर्स जस्ट इग्नोर दम मैंने चैट बंद कर दिया मैंने तो चार्ट बंद कर दिया मैं नहीं देख रही हूं <coughs> चलो भाई दिस इज योर बैक्टीरिया ए दिस इज बी इसके पास प्लाज्मिड है ना ये प्लाज्मिड इधर जाना चाह रहा है ठीक है इसको जाना है इधर मन है इसका जाने का अब ये जो तुम्हारा प्लाज्मिड है ना इसको हम यहां लिख देते हैं दिस इज वॉट वटू प्लाज्मिड ठीक है ओके okay. ये कौन सा है फर्टिलिटी फैक्टर है जिसके पास अब ये क्या करेगा देखो 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 अब ये क्या करेगा दिस इज गोइंग टू मेक दिस इज गोइंग टू मेक पिलाई यही बनाता है बच्चों पिलाई ये देखो ये रहा पिलाई दोनों का सेक्स पिलाई मिल गया जुड़ गया कॉन्जुगेशन ब्रिज बन गया ठीक है क्या बना कॉन्जुगेशन एक्चुअली मैं ना इसको दूसरे स्टेप में बनाती हूं तुम्हें लिख के ये स्टेप वन है दूसरे स्टेप में देखो क्या हुआ ये था आपका एक बैक्टीरिया ये था आपका दूसरा बैक्टीरिया ये चीजें ना दोबारा आपको ये चैप्टर ना फिर से डिटेल में पढ़ना पड़े इसलिए मैं बता रही हूँ बहुत ही डिटेल से करा रही हूँ ये लो बच्चों ये क्या बन गया कॉन्जुगेशन ब्रिज बना किससे बना दो पिलाई मिल गए दोनों के पाइलस मिल गए यहां पे ना ऐसे ऐसे ग्रोथ होना लग जाएगा यहां से ग्रोथ होना शुरू होगा इससे ग्रोथ होना शुरू होता है ठीक है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जिसके पास प्लाज्मिड होता है वही पिलाई बना पाता है चलो भाई बना दिया ब्रिज बन गया इस ब्रिज को क्या बोलते हैं कॉन्जुगेशन ब्रिज बोलते हैं दिस ब्रिज इज नोन एज कॉन्जुगेशन ब्रिज कॉन ब्रिज ठीक है इसको बोला जाता है कॉन्जुगेशन ब्रिज एंड बच्चों दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस प्लाज्मिट ये प्लाज्मिट जब दूसरे सेल में जा रहा है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन तो अच्छा एक और चीज ये प्लाज्मिट आपका खुल जाएगा ये अभी ऐसे था ये अभी गोल गोल दिख रहा है मुझे ठीक है ये खुद को खोल लेता है क्योंकि गोल गोल जाएगा इतनी जगह नहीं है ये इट विल ओपन अप स्ट्रेट होगा और फिर से गोल हो जाएगा ये देखो ऐसे 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 हुआ ऐसे स्ट्रेट हुआ यहां जाके बच्चों फिर से गोल हो गया ठीक है तो अब तुम्हारे कौन से सेल के पास प्लाज्मिट चला गया तुम्हारे चला गया रेसिपियंट सेल के पास प्लाज्मेट जिसको हमने क्या बोला था एफ नोर एफ नेगेटिव नेगेटिव क्यों बोला बच्चों जो चीज किसी और से कुछ चीज लेती है हम उसको हमेशा नेगेटिव बोलते हैं है ना और जो डोनेट करती है हम उसको पॉजिटिव बोलते हैं राइट और फर्टिलिटी फैक्टर कुछ नहीं है ये एक तरह का प्लाज्मिट होता है जो घूम सकता है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है अब मुझे फटाफट से बता दो ये बात समझ में आई बताओ बच्चों नाउ आई एम लुकिंग एट योर चैट नाउ आई एम लुकिंग एट योर चैट यस ठीक है समझ में आया बच्चों कॉन्जुकेशन ब्रिज किससे बना मैं यहां पे लिख देती हूं कॉन्जुकेशन ब्रिज किससे बना मेड बाय सेक्स पाइलस अब समझ में आया तुम्हें जब मैंने सेक्स पे लाया आपको यहां पे लिखवाया था ये क्यों लिखवाया था कि इट हेल्प इन कॉन्जुगेशन अब समझ में आया बच्चों कि क्यों लिखवाया था कि इट इन कॉन्जुकेशन नाउ यू अंडरस्टैंड दिस अब समझ में मजा आया समझ के हाँ दोबारा सुन लो दिस इज योर बैक्टीरिया वन दिस इज बैक्टीरिया टू दोनों पास में आए ठीक है दोनों पास में क्यों आए बच्चों क्योंकि ये जो प्लाजमिट है ये इधर जाना चाहता है और इस प्लाजमिट के पास एक जादू है जादू क्या है कि ये इधर घूम सकता है ये उधर टाप सकता है ये उधर पहुंच सकता है ठीक है यस yes, बच्चों तो ये क्या करा ना इसने क्या करा कि ये बैक्टीरिया से इधर चला गया पर कैसे जाएगा हवा में उड़ के तो नहीं जा सकता इसने एक खुफिया रास्ता बनाया और वो खुफिया रास्ता कैसे बना बच्चों जो हमारे पास पिलाई होता था ना सेक्स पिलाई उसको हमने एक्सटेंड कर दिया एक्सटेंड करा तो वो दूसरे बैक्टीरिया तक पहुंच गया एक ब्रिज बन गया नाउ दिस कैन ईजिली मूव नाउ दिस कैन ईजीली गो टू द नेक्स्ट वन ठीक है ओके डन बच्चो तुम्हें समझाने के लिए बात बता रही हूँ <coughs> नहीं तो तुम्हारी बुक में चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड करेक्ट इसलिए तुम्हें ये बात बताइए डन बच्चो पानी पीने दो मेरा गला थक जाता है यू में प्लाज्मिड नहीं होते बच्चों सिर्फ बैक्टीरिया में होते हैं ओनली बैक्टीरिया ओनली बैक्टीरिया यस ओके ये बात समझ में आ गई एक और वर्ड लिखा है बच्चों आपकी एनसीआरटी में ठीक है एक और वर्ड लिखा है आपके एनसीईआरटी में एंड दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन उसको भी समझ लो यहीं पर काम आएगा बायोटेक्नोलॉजी में समझो उसी को भी यहां पे समझो तुम ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है दिस इज अ बैक्टीरिया ये एक बैक्टीरिया है बच्चों ठीक है इस बैक्टीरिया का भी हम जेनेटिक मटेरियल बना देते हैं येरा ये बना दिया मैंने इसका जेनेटिक मटीरियल ठीक है थीके? अब ये बैक्टीरिया जिस पानी के अंदर तैर रहा है ठीक है यस ग्रिफिथ वाला बिल्कुल ठीक है यस सिम्बा अरे बच्चा सिम्बा सिम्बा आएगा सिम्बा सिम्बा की एंट्री अगले हफ्ते होगी पक्का।, पक्का 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 ओके चलो अब ना बाहर कोई फ्री डीएनए घूम रहा है ये रहा ऐसी कोई ऑर्गेनिज्म था ठीक है उसको उसकी स्किन रप्चर हो गई उसके सेल में से डीएनए बाहर आ गया तो यहाँ ऐसे फ्री डीएनए घूम रहा है दिस इज वॉट बच्चो दिस इज फ्री डीएनए तुम इसे फ्री डीएनए बोल सकते हो या फॉरन डीएनए भी बोल सकते हो क्योंकि ये बैक्टीरिया का तो नहीं है फ्री डीएनए और फॉरन डीएनए बच्चों राइट कभी कभी क्या होता है कि ये जो फ्री डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है ठीक है और बैक्टीरिया के मेन डीएनए के साथ जुड़ जाता है ये लो इसके साथ जुड़ गया समझ रहे हो सो so, क्या हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में फ्री डीएनए है मैं यहां पे लिखवा देती हूं व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बच्चों इट इज द अटैचमेंट अटैचमेंट ऑफ एनी फॉरन डी एन ए जो बैक्टीरिया का खुद का डी एन ए नहीं है एनी फॉरन डी एन ए टू द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन और ये हम कराने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी में ठीक है <laughs> ओके ये हम करेंगे बच्चों बायोटेक्नोलॉजी में हम ये करेंगे सिम्बा का मतलब होता है बच्चों इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूब बट मैं सिम्बा को इंट्रोड्यूस करूंगी तुम्हें अगले हफ्ते तुम्हें मिलेगा और कल तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सेशन आने वाला है तुम मतलब तुम खुश हो जाओगे यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ योर प्रेपरेशन कल बहुत बढ़िया एक मैंने सेशन प्लान करा है जिससे तुम्हें बिल्कुल एकदम चकाचक चीजें बिल्कुल एवरी थिंग विल बी क्लियर यस ओके चलो ये हो गया बच्चों दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन कैन वी मूव ऑन कैन वी मूव ऑन क्या हम आगे बढ़े? क्या हम आगे बढ़े अब चलो अब अपने क्या रह गए अब अपने रह गए राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज फटाफट से खत्म करते हैं बच्चों वी विल फिनिश फटाफट से राइबोसोम कर लेते हैं सबसे पहले इंक्लूजन बॉडी आई एम से सॉरी इंक्लूजन बॉडी जैसे जैसे तुम्हारी बुक में दिया ना वैसे वैसे करेंगे इंक्लूजन बॉडी बड़ा ही आसान है इसलिए मैं पहले इंक्लूजन बॉडीज करा देती हूं ठीक है इंक्लूजन बॉडीज बच्चों सिम्बा पी वाई क्यू इस पर पूछा जा चुका है पीवाई क्यू इस पर पूछा जा चुका है तो इसको इग्नोर नहीं करने का ठीक है चलो अभी कितना टाइम है बच्चों अभी मैं आपका ये वाला सेशन दस मिनट में खत्म कर दूंगी ठीक है बीच में आज देखो हमारा वो सब हो गया ना उससे मुझे पता है आपको भी थोड़ा लगता है कि यार ये क्यों हो गया बीच में है ना एक फ्लो चल रहा होता है ना पढ़ने का बीच में कुछ हो जाए तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है चलो अब मैम फिर से एक बैक्टीरिया बनाएंगी बनाएंगी बिल्कुल बनाएंगी क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग में ना बच्चों छाप देना चाहती हूं चीजें आई डोंट वॉन्ट कि तुम ये चीजें दोबारा डिटेल में पढ़ो एक बार अगली बार मैं चाहती हूँ कि तुम रिविजन करो इनका ये लो इंक्लूजन बॉडी ऐसे दिखेंगे आर वेरी स्मॉल नॉन मेंबरेन मेंब्रेन नहीं होगी सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बच्चों की क्या मेम्बरेन होता है या नहीं होता है सो दे आर नॉन मेंबरेनस पहली चीज पहली चीज नॉन मेंबरेनस मेमब्रेन बिल्कुल भी नहीं होगी बच्चों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज योर पीवाई क्यू दिस हेयर इज योर पीवाई क्यू मेम्बरेन नहीं होता रिमेंबर बैक्टीरिया के पास जो भी चीज होती है उसकी मेम्बरेन नहीं होती ठीक है दूसरी चीज क्या है बच्चों दूसरी चीज ये यूज होते हैं स्टोरेज के लिए किस लिए यूज होते हैं स्टोरेज के लिए लेकिन क्या स्टोर करेंगे मैम टाइप्स बनाते ना फिर अलग अलग टाइप्स बनाएंगे टाइप्स ठीक है चलो अब अगर तुम जैसे कोल्ड स्टोरेज होता है ना भाई जो गेहूँ एक जगह पे गेहूँ स्टोर हो रहा है एक जगह पे चना स्टोर हो रहा है एक जगह पे ऑयल स्टोर हो रहा है तुमने जो घर में डब्बे रखे होते हैं सब डब्बों में अलग अलग चीज़ें रखी होती है तो ऐसे ही बैक्टीरिया थोड़े ना मिक्स करके रखेगा उसने भी अलग अलग डब्बे रखे हुए हैं अपने लिए तो दीज आर लाइक अलग अलग डब्बास बच्चों ठीक है जब तुम हॉस्टल जाओगे मम्मी तुम्हारे लिए लड्डू बना के भेजेंगी घी देंगी सारी मम्मियाँ ऐसे करती हैं घी भी देती हैं अलग से पैक करके नमकीन देती हैं जैसे मतलब जहाँ बच्चा जा रहा है वहाँ कुछ नहीं मिलता है उनको ऐसा ही लगता है ठीक है उनको ऐसे ही लगता है बच्चों ओके okay? <laughs> परवेश जब तुम मेरे साथ एवोल्यूशन करोगे ना बच्चों तब मैं आपको वो बता दूंगी अभी हम ये कर रहे हैं ना अभी इस पर फोकस करो चलो ओके मैम मीजोजोम क्या होता है मीजोजोम संध्या मीजोजोम होते हैं इन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने कल कराया था कल का सेशन देखो कल नहीं परसों कराया था परसों का सेशन देखो प्लीज ठीक okay? है ओके इनफोल्डिंग्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है फोल्ड हो जाता है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए और वो हेल्प करता है और वो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में डीएनए को अलग करने में चलो भाई मम्मी ने तुम्हें अलग अलग डब्बों में दे दिया एक में लड्डू दे दिए ठीक है मेरे लड्डू के लिए लड्डू दे दिए घी दे दिया नमकीन दे दी ये क्या है ये भी वही है ये भी अपने लिए चीज़ें स्टोर करके रख रहा है जब जरूरत होगी तो यूज़ करेगा जैसे कि नंबर वन इज फॉसफेट फॉसफेट ग्रेन्यूल ठीक है जिसमें ऑब्वियसली क्या स्टोर करेगा बच्चों फॉस्फेट स्टोर करेगा या फिर फॉस्फरस फॉस्फेट लिख लेते चलो फॉस्फेट स्टोर करेगा ठीक है या फॉस्फरस लिख सकते हो दूसरे नंबर पे बच्चों क्या है साइनोफाइसियन साइनो फाइसियन साइनो ग्रेन्यूल्स इसमें क्या स्टोर करेगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स ठीक है नाइट्रोजन कंपाउंड्स इसमें स्टोर करके रखेगा कि जब जरूरत हो नाइट्रोजन तो यहां से ये यूज कर लेगा ठीक है चलो देन बच्चों तीसरा तीसरा क्या है ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स अब इसमें क्या रखेंगे ग्लाइकोजन रखेंगे यार और क्या रखेंगे इसमें इसमें क्या रखेंगे ग्लाइकोजन रखेंगे जब मुश्किल समय होगा तो ग्लाइकोजन को ही यूज करके ग्लूकोज बना लेंगे ठीक है और फिर बैक्टीरिया अपना रेस्पिरेशन करता रहेगा इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी ठीक है? ओके चलो ये हो गया बच्चों अब आ जाओ गैस वैक्यूल एक और बहुत ही आसान टॉपिक बैक्टीरिया के पास होते हैं गैस वैक्यूल क्यों होते हैं किस बैक्टीरिया के पास होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैस वैक्यूल्स देखें जरा ये कहां कहां मिलेंगे पहली पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है देखो ब्लू ग्रीन एल्गे के पास मिलेंगे ये तो याद रखना पड़ेगा हमें ब्लू ग्रीन एल्गे के पास मिलेंगे बच्चों सॉरी ये डॉट पता नहीं जाते हैं ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन एल्गे सॉरी बोल रही बोडियो बैक्टीरिया आई एम वेरी सॉरी बैक्टीरिया के पास मिलेंगे ठीक है बच्चों ओके okay. वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है बेसिकली ठीक है फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया ये याद रखना है कि गैस वैक्यूल किसके पास होंगे फटाफट से बच्चों याद रखते हैं किसके पास होंगे गैस वैक्यूल मैम ने क्या बोला मैम ने बोला जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है तो मतलब वो कैसा होगा या तो वो ब्लू ग्रीन दिख सकता है या फिर वो पर्पल ग्रीन दिख सकता है है ना ठीक है तो इनके पास हो जाएंगे गैस वैक्यूल बट क्यों है वाई दे हैव गैस वैक्यूल एक बैक्टीरिया ने अपने अंदर एक गैस जैसा स्ट्रक्चर क्यों रखा हुआ है पता है क्यों रखा हुआ है बैक्टीरिया को अगर कभी मन हो कि मान लो ये है पानी ठीक है आज ब्लू है पानी 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 यह है तुम्हारा पानी बैक्टीरिया को अगर मन हो कि मुझे नीचे जाना है मुझे नीचे खाना दिख रहा है ठीक है बैक्टीरिया वॉन्ट्स टू गो नीचे बच्चों क्या करेगा गैस वैक्यूल को क्या कर लेगा बड़ा करेगा या छोटा करेगा छोटा कर लेगा नीचे चला गया ठीक है और जब बैक्टीरिया को लग रहा है मुझे ऊपर जाना है तो क्या करेगा गैस वैक्यूल को बड़ा कर लेगा तो ये ऊपर चला जाएगा यार टू मेंटेन द बॉयसी ठीक है टू मेंटेन द बॉयंसी यस फूड प्रेपरेशन के लिए नहीं बच्चों दीज आर टू मेंटेन बॉयंसी ठीक है इसको ऊपर नीचे जहां पे भी इसको जाना है ले जाएगा है ना ये बात समझ में आई अगर इसको नीचे जाना है तो क्या करेगा अपनी गैस वैक्यूल को पिचका लेगा पिचको हो जाएगा तो नीचे सिंक हो जाएगा जब उसको लेगा अरे ऊपर जाना ऊपर मुझे सनलाइट चाहिए अब मुझे सनलाइट चाहिए ठीक है तो क्या करेगा उसको एक्सपैंड कर लेगा एंड ऊपर चला जाएगा ठीक है यस यस आ जाओ ऑन द बीच हाँ रोज रुक तू रुक जा अब लास्ट वाला स्ट्रक्चर बच्चों हमारा है राइबोसोम्स। अंत में अपने पास सिर्फ एक स्ट्रक्चर रह गया एंड देन विल बी डन विद द सेल। इज राइबोसोम। इज राइबोसोम। बच्चों जब सेशन खत्म होता है ना उसके बाद कमेंट्स में मुझे जरूर बता दिया करो कि कैसा रहा कहां पे तुम्हें लगता है कि ये, ये चीज ऐसी हुई तो इसको ऐसे कर सकते थे मैम तो ज्यादा अच्छा रहता ठीक है लेट्स तुम्हारा किसी चीज में नुकसान ना हो बस मुझे जरूर बता दिया करो कॉमेंट्स में ना नॉट इन द चैट बॉक्स वो मैं पूरे नहीं पढ़ पाती हूं लेकिन जब सेशन खत्म होता है जब आप वहां पे कमेंट्स लिख पाते हो ना तो वो लिख दिया करो मुझे भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि अच्छा ओके एवरीथिंग इज गोइंग फाइन राइट राइबो जोम्स का क्या काम होता है बालकों ठीक है क्या काम होता है पहली चीज तो इनके पास मेम्ब्रेन होगी नहीं नो मेम्ब्रेन नो मेम्ब्रेन कोई मेम्ब्रेन नहीं होता इन बेचारों के पास साइज क्या होता है साइज पे कोई क्वेश्चन पूछने नहीं वाला लेकिन अगर मैं नहीं बताऊंगी तो बच्चे बोलेंगे कि मैम ने साइज नहीं लिखा था ठीक है फिफ्टीन एन एम एन टू बच्चो ट्वेंटी नैनोमीटर बहुत ही छोटे से होते हैं वेरी स्मॉल 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 ग्रेन्यूज लाइक होते हैं छोटे 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 होते हैं ठीक है ग्रेन्यूज लाइक होते हैं बहुत छोटे होते हैं यस ओके चलो अब अगला देखें क्या होगा बच्चों इनके पास होते हैं कौन से राइबोसोम होते हैं इनके पास होते हैं सेवेंटी एस राइबोजोम्स होते हैं प्रो कैरियर के पास यू कैरियोर्स में हम पढ़ेंगे कि उनके पास होते हैं एटी एस राइबोजोम्स ठीक है अब ये जो मेरा सेवनटी एस राइबोजोम पता है दिखता कैसा है ये ऐसा दिखता है तुम यहां पे थोड़ा सा हैरान होने वाले हो अब यहाँ तुम थोड़ा सा हैरान परेशान होने वाले हो इसके होते हैं टू सब यूनिट्स टू सब यूनिट्स कौन सी मैम एक होती है बच्चों बड़ी है वाली ठीक है एक होगी छोटू सी सब यूनिट ठीक है ऐसा होता है ये क्या है दिस इज योर फिफ्टी एसर आइबोजोम एंड दिस इज योर थर्टी एसर आइबोजोम समझ रहे हो मेरी बात यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है बच्चों तो एक होता है फिफ्टी एस बड़ा वाला लार्ज सब यूनिट ठीक है ये क्या है मेरा लार्ज अरे इस कलर से नहीं लिखने का है लार्ज सब यूनिट है ना और ये थर्टी तो मुझे छोटा ही लग रहा है नाउ बट मैम वाट इज दिस एस ये एस क्या है वॉट इज दिस एस अब बच्चों इस एस को समझने के लिए तुम्हें तो समझना पड़ेगा कि ये है एक क्लीन मैंने क्लियर ग्लास ले लिया इसमें डाला पानी ठीक है इसमें डाला पानी ऑल right. और इस पानी में अगर मैं डाल दूँ मिट्टी मैंने इस पानी में क्या डाल दी मिट्टी डाल दी मेरे पास है नहीं मैं डाल नहीं सकती बट मैं इसको पी सकती हूं ठीक है ओके इफ आई शेक दिस ऐसे vigorously जो कि टेबल पे भी गिरा दिया मैंने तुम ऐसे मत करना अगर मैं इसको बहुत ज़ोर जोर से ऐसे घुमा दूं, इसको बोलते हैं सेंट्री फ्यूगेशन वॉट इज़ दिस नोन एज बच्चो दिस इज़ नोन एज सेंट्री फ्यूगेशन ठीक है इसके लिए एक मशीन आती है छोटी सी जिसको हम बोलते हैं सेंट्री फ्यूज ठीक है इसके लिए एक मशीन आती है जिसमें टेस्ट ट्यूब रख देते हैं और वो टेस्ट ट्यूब बहुत ज़ोर जोर जो जो से ज़ोर से घूमती है अब मैंने इसको सेटल कर दिया मतलब मैंने इसको रख दिया ऐसे रख दिया टेबल के ऊपर तो मैं देखूंगी कि जो मिट्टी के बड़े बड़े दाने थे वो नीचे आ जाएंगे जो छोटे छोटे थे बच्चों वो अभी भी तैरते रहेंगे मेरे पास दो भाग में बट जाएगा ना ये जो बड़े बड़े थे वो नीचे रह जाएंगे और जो छोटे छोटे थे वो ऊपर रह जाएंगे क्या मैं बोल सकती जो नीचे गए वो भारी थे बच्चों कैन आई से जो नीचे सेटल हो जाते हैं जो जल्दी से सेडिमेंट हो जाते हैं वो भारी थे बोल सकते हैं यस yes? बोलो कैन आई से कैन आई से दैट वो थे बहुत हैवी वो थे डेंस ये बात बोली जा सकती है येस yes, बोली जा सकती है बच्चों तो एस क्या है एस इज सेडिमेंटेशन को एफिशियंट एस क्या होता है वॉट इज एस एस इज सुडबर्ग्स यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन को एफिशियंट सेडीमेंटेशन को एफिशियंट डन राइट और क्या बोलते हैं इसको और इट इज ऑल्सो नोन एज स्वेड यूनिट स्वेडबर्ग्स यूनिट स्वेडबर्ग वाज़ वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट दिस वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने सेडिमेंटेशन का पूरा टेक्निक हमारे सामने लाके रख दिया था बच्चों यस डन वेरी गुड वेरी गुड अब इससे मुझे क्या पता चलता है देखो बच्चों फटाफट से देखो जिसका वैल्यू बड़ा जिसका वैल्यू बड़ा है ना उसका मतलब है कि वो जल्दी नीचे चला जाता है और जो जल्दी नीचे चला जाता है इसका मतलब है कि वो लार्ज सब यूनिट होगा ठीक है वो लार्ज सब यूनिट होगा क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चों जिसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बड़ा है दैट मीन्स वो जल्दी नीचे चला जाता है ओके फिफ्टी एस जल्दी जाएगा नीचे थर्टी एस थोड़ा टाइम लगाएगा घूमता फिरता हुआ आएगा बच्चों तुमने ऊपर से पत्थर फेंका या फिर तुमने ऊपर से फैदर फेंका पंख फेंका सबसे पहले नीचे कौन जाने वाला है पत्थर नीचे जाएगा ठीक है तो इसका मतलब है एस जिसका ज्यादा बड़ा वो जल्दी नीचे जा रहा है उसका मतलब है कि वो ज्यादा भारी है ठीक है <laughs> इसके लिए हो इसका मतलब हो जाए परवेश पूछा मैम हाउ इज सेडिमेंटेशन बेनिफिशियल इन मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स इट इज़ बेनिफिशियल बच्चों उसकी वजह से हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं ये देखो ये अगर तुम्हारा टेस्ट ट्यूब है ना तो जब तुम सेडिमेंटेशन करते हो या सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो ठीक है तो तुम्हारे सेल में जो भी चीज़ें होती ना मान लो यहाँ पर तुम्हारे प्रोटीन्स आ गए यहाँ पे तुम्हारे से कि नीचे की तरफ़ फैट्स आ गए कहीं पे प्रोटीन्स आ गए कहीं पे तुम्हारे शुगर्स आ गए कहीं पे तुम्हारे राइबोसोम्स आ गए ऐसे तुम अलग कर सकते हो उस चीज़ों को एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर एक्सपेरिमेंट तो हम चीज़ों को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं बच्चों ठीक है ओके चलो ओके देन अब हम यहाँ पर लिख लें कि इसका फ़ायदा क्या है स्वेट यूनिट्स का क्या फायदा है बच्चों इसका फायदा है दिस हेल्प्स इन द मेजर ऑफ डेंसिटी या साइज गिव्स एन आइडिया अबाउट डेंसिटी और साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूल अगर बच्चों मुझे एक बात बताओ मुझे अगर पता हो कि किसका क्या वैल्यू है इसका लो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ कि भाई एक मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन करा तुम्हारे बॉडी में एक प्रोटीन है तुम्हारे बॉडी में चार पांच प्रोटीन है एक प्रोटीन था जिसका सेंट्रीफ्यूगेशन आया फिफ्टी एस एक का आया बच्चों सिक्सटी एस एक का था फोर्टी एस और एक का था सेवेंटी एस तो अगर मैं तुमसे पूछूँ कि सबसे ज़्यादा हैवी तुम्हें कौन सा लग रहा है Yes. तो कौन सा लग रहा है बच्चों तुम्हें सबसे हैवी कौन सा लग रहा है मैं बताऊंगी वाई इज 50 प्लस थर्टी सेवेंटी क्यों है और 80 क्यों क्यों नहीं है मैं बताऊंगी वो भी बच्चों फटाफट से बताओ आपको आइडिया लग जाएगा ना कि कौन सी चीज भारी है ये सेवेंटी एस इज भारी नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक बच्चा मुझसे पूछ भी रहा है जो मैंने बोला था तुम बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे ये कैसे हो गया फिफ्टी और थर्टी तो एट्टी होने चाहिए ये मैम आप ये सेवेंटी क्यों लिख रहे हो क्योंकि बच्चों क्योंकि बच्चों दिस इज नॉट द वेट ये वेट नहीं है ये बेसिकली टाइम है कितना लग रहा है किसी को नीचे जाने में ठीक है अगर मैं ऊपर से एक पत्थर नीचे फेंक रही हूँ ओके okay? उसको कितना टाइम लग रहा है नीचे जाने में दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग राइट बच्चों और उस पत्थर के ही मैं दो टुकड़े करके नीचे फेंक रही हूँ उनको कितना टाइम लगेगा वो एक अलग बात है तो हम इनको जोड़ नहीं सकते इसलिए आर यू गेटिंग माई पॉइंट दिस इज द टाइम टेकन बाई द सब यूनिट टू रीच एट बॉटम नीचे जाने का टाइम है ये बच्चों ये वेट नहीं है हाँ मुझे इससे आइडिया लग जाता है वेट का ठीक है आप समझे आप समझे बच्चों समझ रहे हो दिस एस इज नॉट द वेट ठीक है ना ही ये साइज है ये सिर्फ तुम्हें आइडिया दे रहा है बच्चों दिस इज बेसिकली दिस इज बेसिकली कि कितना टाइम लगेगा नीचे बैठने में तो ये वाली यूनिट को कितना टाइम लगेगा ये वाली यूनिट बच्चों जल्दी बैठ जाएगी ये वाली यूनिट को थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा समझे इसलिए हम इनको ऐड नहीं कर सकते ये इसलिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते बच्चों समझ में आई बात ओके ठीक है ओके डन सो दिस इज अबाउट द राइबोजोम राइबोजोम के दो यूनिट्स होते हैं बच्चों कौन से होते हैं फिफ्टी एस एंड थर्टी एस बहुत डिटेल में मैं यू के में भी करवाने वाली हूं तुम्हें अच्छा इन दोनों यूनिट्स को जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है ठीक है इन दोनों को मिला के क्या बनेगा सेवेंटी एस राइबोजोम बनेगा दोनों को जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है बच्चों मैग्नीशियम आयन चाहिए होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे ज्वाइन टू सब यूनिट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल क्लास नहीं होगी श्रुति कल तुम्हारी भी छुट्टी होनी चाहिए तुम्हें भी रिविजन करना चाहिए और मेरे को भी थोड़ा सा तैयारी करनी होती है तुम्हारे ही लेक्चर्स की तैयारी करनी होती है ठीक है ये बच्चो ओके ना वट इज द फंक्शन ऑफ राइबोजोम राइबोजोम का फंक्शन क्या है बड़ा ही आम सी बात पूछ ली मैम आपने तो हा फंक्शन क्या होता है राइबोजोम का बच्चो फंक्शन है ट्रांसलेशन

एंड सैटरडे को तीन बजे हुआ करेगा राइट right? तो इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रिपेयरिंग यो तो मैं दोनों साथ में चला रही हूं ये बात याद रख लेना ओके okay जी प्रोटीन सिंथेसिस कर दिया अब तुम्हारे जो राइबोजोम है ना वो पता है क्या करते हैं वो किस चीज से बने हुए हैं? ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ठीक है <laughs> ये बने हुए हैं बच्चों मेड अप ऑफ आर आर एन ए विच इज राइबोजोमल आर एन ए प्लस प्रोटीन ठीक है राइबोसोमल, आरएनए प्लस प्रोटीन से बने हुए हैं बच्चों ये ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है फंक्शन वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछे जा चुके हैं बच्चों दिस इज ऑल सिंबा सिम्बा सिंबा ठीक है ये सब क्या है सिम्बा 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 ये सब बच्चों सिम्बा है फंक्शन क्या है इसका ट्रांसलेशन राइबोसोम किस चीज से बने हुए हैं आर आरएनए और प्रोटीन से बने हुए हैं ठीक है, यस yes. एक और क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जा चुका है इज दैट कि भाई जब राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के ऊपर लग जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं दिस इज मैसेंजर आरएनए, ओके अब जो हम राइबोसोम को यहां पे बिचारों को लगा देते हैं बिल्कुल ये छोटा यूनिट ये बड़ा ये छोटा यूनिट स्मॉल स्मॉल जस्ट लुक एट दिस हाउ ब्यूटिफुल दिस लुक्स ठीक है तो एक चेन बना लेते हैं दिस चेन ठीक है दिस चेन एंड ऑल्सो हाउ कैन वी फेट यहां पे मैग्नीशियम आयन भी लगेंगे इनके बिना तो ये जुड़ते ही नहीं है ये क्या है ये येलो चीजें मैंने जो बनाई क्या है बच्चों दीज आर राइबोजोम ये, ये मैसेजर आ रहे हैं दोनों मिलके क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दिस इज नोन एज पॉली राइबोजोम ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं पॉली राइबो जोम या फिर पॉलीजोम या फिर पॉलीजोम क्या है पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम क्या है बच्चों राइबोजोम्स फटाफट से लिख लो राइबोजोम्स अटैच्ड इन चेन ऑन मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ठीक है ट्रांसलेशन क्या समझ में आया क्या समझ में आया ठीक है समझ में आ गई सब बच्चों को एक बार चलो एक बार फिर से बताते फिर हम एनसीआरटी रीड करके खत्म करते हैं राइबोसोम बच्चों मेंबरीन नहीं होती बिल्कुल कोई नहीं होगी ठीक है साइज क्या होता है पंद्रह नैनोमीटर से बीस नैनोमीटर साइज होता है हुँ? ठीक है चलो ओके okay. नोट्स बच्चों आपको मिल जाएंगे डॉक्टर गार्गी सिंह ठीक है ये टेलीग्राम है इस टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे तुरंत ही क्लास के बाद मैं नोट्स पोस्ट कर दूंगी ठीक है बबलू ओके चलो यस अब ये जो सेवेंटी एस राइबोसो में वो सिर्फ मुझे प्रो में मिलता है उसकी दो सब यूनिट्स है बच्चों फिफ्टी एंड थर्टी ठीक है दोनों को जोड़ने के लिए मुझे मैग्नीशियम आयन चाहिए एस स्टैंड फॉर स्वेड स्वेड वर्क यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन मुझे पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी बड़ी हो सकती है कितनी छोटी हो सकती है अगर मुझे एस पता हो तो ठीक है यस yes. फंक्शन क्या बच्चों ट्रांसलेशन करना प्रोटीन का सिंथेसिस करना राइबोजोम किससे बने हैं राइबोजोमल आर से बने हैं है, और कुछ प्रोटीन है जिससे बने हैं जो मैं तुम्हें uh, इसका ब्रेकअप भी करा दूंगी जब हम करेंगे यू कैरियाट्स यू कैरियाट्स मैं तुम्हें पूरा बताने वाली हूँ कि कौन से आर हैं राइबोसोम्स के पास ठीक है अब जब आरएनए, सॉरी मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम चिपक जाते हैं ऐसे प्रोटीन बनाने के टाइम पे उसको हम क्या बोलते हैं इस मोतियों की माला को क्या बोलेंगे बच्चों पॉली या पॉलीजोम्स डन डना डन डन ठीक है ओके okay? ये चैप्टर कितने सेशन में खत्म होगा मैम बच्चों देखो मैं ऑनेस्टली तुम्हें एक बात बताती हूँ इफ यू वॉन्ट कि तुम एक चैप्टर सिर्फ पहली बार में ही मास्टर कर लो तो उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ने में एंड यू ऑल्सो नो दिस इज़ अ लेंगी चैप्टर ठीक है ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है तुम्हें भी पता है थोड़ा टाइम लगेगा मे बी फाइव मोर सेशंस ठीक है शायद पाँच पाँच में हम खत्म कर लेंगे पाँच में ख़त्म हो जाएगा ये उसके बाद मैं आपको मैं आपको एक पूरा प्लान दे दूँगी कि क्या कराने वाली हो येस बच्चों ठीक है चलो भाई अब राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज भी देख लो के लास्ट पैराग्राफ है और फिर अपना प्रोकैरियोटिक सेल खत्म राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स ठीक है दे आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाजू बाजू में मिलते हैं क्यों मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाजू बाजू में बच्चों व्हाई दे आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द मीजोजोम के आसपास भी आपको ज्यादा मिलेंगे ठीक है प्लाज्मा के आसपास भी ज्यादा आपको मिलेंगे उधर ही रहते हैं ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कितना साइज था अपना पंद्रह इंटू बीस साइज था अपना कितने थे बच्चों क्या सब यूनिट थी फिफ्टी एंड थर्टी आपके सब यूनिट थे दो, दोनों मिला के सेवेंटी बनाते थे क्या काम होता है इनका प्रोटीन सिंथेसिस काम होता है बहुत सारे अगर अटैच हो जाए मैसेंजर आरएनए पे तो उसको क्या बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम बोलते हैं ठीक है ठीके? काम क्या है इनका प्रोटीन्स बनाना काम है यस बच्चों ठीक है मैम इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों संध्या संध्या इस चैप्टर से चार से पांच क्वेश्चन आ जाते हैं यह चैप्टर बहुत जरूरी है बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक और जो चैप्टर है तुम्हारा सेल डिविजन वाला ठीक से लिखा नहीं जा रहा है उसमें भी चार से पांच क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये दोनों चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मैं जानबूझ के पहले बच्चों वो चैप्टर्स उठा रही हूं जिनका वेटेज बहुत है ठीक है जिनका वेटेज बहुत है जिनका वेटेज कम है वो चैप्टर्स हम बाद में करेंगे इंक्लूजन बॉडीज बच्चों रिजर्व मटीरियल इन प्रो कैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाजम इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज अगर कभी इंक्लूजन बॉडीज ऐसा हो जाना कि अरे क्या था क्या था याद रखना मम्मी जब तुम हॉस्टल जाओगे तो तुम्हारे लिए अलग अलग डब्बे में अलग अलग चीजें देंगी डालकर तो ये वही है दीज आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन इनके पास कोई मेब्रेन नहीं होती ये हमने देखा दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाजम कहाँ घूम रहे होते बच्चों साइटोप्लाज्म में और ये तीन तरह के थे फॉस्फेट जो फॉस्फरस फौस, को स्टोर करेंगे साइनोफाइसियन जो नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन जो ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं एंड देन इनके साथ साथ हमारे पास होते हैं गैस वैक्यूल किसमें मिलेंगे ठीक है बॉयंसी मेंटेन करते हैं यस yes. ओके okay. चलो इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा ये सरप्राइज इसके बाद एक सरप्राइज वाला चैप्टर होगा <laughs> कल मैं बोल रही हूँ कल तुम्हारे लिए एक बहुत अमेजिंग सेशन ला रही हूँ तुम खुश हो जाओगे मैं मुझे ऐसा लगता है कि तुम बोलोगे कि मैम थैंक यू दिल से बोलोगे तुम ठीक है मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ तुम्हारे लिए एंड आई रियली होप कि उस सेशन से तुम खुश हो जाओ सच में ओके okay? हाँ बच्चों आप ऑफलाइन में भी जाके मेरा कोड लगा सकते हो ठीक है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी वी आर डन विथ प्रो सेल नाउ आज सात बजे भूलना नहीं है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का हम करने वाले हैं पी क्यूज़ मंडे को बच्चों इस चैप्टर के, के प्रो कैरियॉट के प्रो कैरियऑट के हम करेंगे पी क्यूज़ ये प्रैक्टिस सेशन बिल्कुल मिस नहीं करने हैं यहाँ आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो मुझसे क्योंकि यहाँ पे बच्चों मैं पढ़ नहीं पाती हूँ ओके चलो तो गार्गी कोड लगाएंगे इफ़ यू आर समबडी जिसको लगता है कि नहीं मुझे तो ऑफलाइन में ही जाना है ठीक है तो अन अकेडमी में तुम ऑफलाइन में जा सकते हो बिल्कुल भाई कोड लगा लेना गार्गी यहाँ पे भी तुम्हें ऑफ मिलेगा बच्चों ठीक है और मुझे बता देना मेरा मेंटोरशिप गाइडेंस यहाँ पे भी मिलेगा तुम्हें ये हमारा कोई एक नया बैच आ रहा है बच्चों हर हफ्ते नया बैच इसलिए आता है ताकि जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं उनका कुछ मिस ना हो देन देसो यू कैन गो फॉर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम बच्चों यहाँ पर भी यू हैव टू यूज द कोड गार्गी एंड अदरवाइज इफ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन इफ यू वॉन्ट टू अगर आप चाहते हो कि मैं आपका गाइड आपका मेंटोर बनूं तो कोड बच्चों लगाना है गार्गी एंड uh, आपको टेन परसेंट ऑफ तो मिलेगा ही इसके साथ साथ आई एम आई एम गोइंग टू बी देयर टू गाइड यू टू मैंटोर यू हर कदम में तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ क्या वो ठीक है तो टेक केयर पी डी एफ में बस अभी अपने टेलीग्राम पर डालने लगी हूँ ठीक है वहाँ से मिल जाएगा तुम्हें टेक केयर एंड आई सी यू सात बजे